ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਟਾਰ ਬੋਏ ਸੱਸ ਕੀਦਾ ਏ ਕਸੂਰ ਟੱਪੀ ਵੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਤੋਂ ਨੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਸਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੈਨ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਐਵੇਂ ਅੰਦੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਗਲਾਵੇਂ ਪੜ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਸਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੈਨ ਪਰਚੇ रिमांड बापू चक्की फिरे डांग कहिंदा घरे वड़ी खच्चा वेखी भन्नदा मैं लड़ा पैंदे कॉलेज च हौल ते नेफे च पस्तौल तक तक करे दिल लाइफ बनी पई आ हैल ते तू मंगदी हथां च मार्ठी नी होवे दे लैम्बोर्गिनी च तैनू ही कमाउंदा फिरे जट इत्थे बोल गए नजायज तैन परच ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਐਵੇਂ ਅੰਦੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਗਲਾਵੇਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੈਨ ਪਰਚ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਉੱਠੇ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਵੇਂ ਸਕਾਟ ਲੈ ਉੱਚੀਆਂ ਗੁੱਚੀਆਂ ਹੀਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੈਗੀ ਜਣਾਂ ਚ ਵਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਨ ਕਦੇ ਜੁੱਤੀ ਚੀਨ ਮੀਨ ਕੀ ਸਲੀਨ ਖਾ ਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਡਰੀਮ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਲੇ ਚਾਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਸੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੈਨ ਪਰਚ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਐਵੇਂ ਅੰਦੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਗਲਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਖੀਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਬਣ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਦਿਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੈਨ ਪਰਚ ਲਿਸਨ ਅਪ छड़ के जांदी ए मुटियारे नी ओ जांदी जांदी नाल लैदा मस्कारे नी उड़ा ओ टुट पैणे मोबी ब्राउन दे पाए पुआड़े नी कराते कारे नी ओ सारे टाउन विच खुत्ती पैरी इटली दी जुत्ती सारे टाउन विच खुत्ती पैरी इटली दी जुत्ती टाउन विच खुत्ती पैरी इटली दी जुत्ती नाले जुत्ती थले रखी है जमाना फिरते थले रखी है जमाना फिरते मुंडे होट विच बन के बंडाना फिरते नी मुंडे पिंडा आले बन के बंडाना फिरते होट विच बन के बंडाना फिरते पट लैंदे झट बिलो माझे दे जट नी है पट लैंदे झट बिलो माझे दे जट जड़ा करदा खराबी ओनू जड़ो देंदे पट पाई गल विच सोने दा या गाना फिरदे पाई सोने दा या गाना फिरदे मुंडे होट विच बन के बंडाना फिरदे होट विच बन के बंडाना फिरदे मुंडे पिंडा आले बन के बंडाना फिरदे होट विच बन के बंडाना फिरदे रख डैश उत्ते गन शायर करदे आ रन रख डैश उत्ते गन शायर करदे आ रन पूरी गर्म ख्याली नालों लाशी उत्ते गन शायर तिखे जमा वांग नी कटाना फिरदे जमा वांग नी कटाना फिरदे मुंडे होट विच बन के बंडाना फिरदे पिंडा आले बन के बंडाना फिरदे होट विच बन के बंडाना फिरदे साड़ी जिंदगी है काली किथे जांदी है संभाली साड़ी जिंदगी है काली किथे जांदी है संभाली लागे जट नाल यारी ना तू एंट्री कराली सच्ची तलियां ते रख के जाना फिरदे रखी तलियां ते जाना फिरदे मुंडे होट विच बन के बंडाना फिरदे होट विच बन के बंडाना फिरदे नी मुंडे पिंडा आले बन के बंडाना फिरदे होट विच बन के बंडाना फिरदे you
शीशे काले आते बंदे कुड़े चार नी ओ शहरों जेड़े वजदे फरार नी ओ फर्जिया नंबर प्लेट नी ओ तो कहिंदे वाटर स्टेट नी हुण मिलना क्या चाहुंदे कलाकार नी ओ लोड़दे आ सारे कुड़े यार नी साडे नाना नी मिलदे विचार नी ओ विचो विचो खांदे साले खार नी शीशे काले आते बंदे कुड़े चार नी ओ शहरों जेड़े वजदे फरार नी ओ फर्जिया नंबर प्लेट नी ओ तो कहिंदे वाटर स्टेट नी पीक दे जवानी साडा वखरा स्टैल हो ही दुनिया दीवानी असी बे परिवार रब करे निगरानी जिथे दिसे हुंदे आते ओ जट दी निशानी मुंडे टप टुट हो गेंदे नहीं गुड़े लाड रहे दे अपने च कुछ बहाला लोड दे नहीं साथ बिलो पट लैण झट कर हस गल बात पवे दिलां उत्ते भारी बस इको मुलाकात हर पासे सुने जोबरी दा ना मुंडा दुनिया नु जोबदा ए तां मुंडा दुनिया नु जोबदा ए तां दुनिया नु जोबदा ए तां CVI at Mayor Park, please. Can you back? Provide the 27, please. 38, okay. What is the guy doing? Chingari sir requesting 1020. 76 to your 20 to mic. 10-4 sir.
ओ कुंड बज गए शो बढ़िया 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 स्टार्ट फ्रॉम द जैकेट जैकेट पे आप आपका 443 डन राइट और पैंट से आपका 163 प्लस 2 रिस्पोंडिंग टू द लेटेस्ट 34 कॉल 141 ठीक है आई विल बी वेटिंग डन 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 ओके ओके कहां पे हो अकेले हो सोलो मैं नहीं क्लोजिंग में हूं अच्छा ठीक है डन सी डन सी डन डन 197 करके कुछ है ही नहीं 193 तक है नीचे देखो जैक बेल्ट पे दिखा रहा है कुछ पीडी 1 करके अच्छा वो लो वो वाला देखो वो वाला नहीं दिखा रहा कुछ पीडी 4 वाला करके होगा एक 4 वाला हां यार मिल गया ना ओके और वेस्ट होगा 61 मिस वाले में नॉर्मल वेस्ट नॉर्मल ओके डन और शूज होंगे एन 141 यस ओके डन आपको हैट पहनना है या मेरे पास है हैट हेलो 190 और कुछ तो नहीं है ना एक एक कोई नहीं चश्मे चश्मे वो करो आप हां मेरी बात हो रखी है रॉक्समैन से सो ही सेड कि कोर्ट में यू कांट वेयर दिस ग्लासेस बट एनीवे यू कैन या वेरी 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 डोंट वेयर ग्लव्स और नेकलेस किधर है मेरे को एक बार नैप लेना पड़ेगा यू नो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है हाँ ग्लव कोई ना पहना ग्लव्स ही मत पहनना ठीक है डोंट वेयर ग्लव्स एज वेल अब मना है क्या या ग्लव्स यू कैन नॉट वेयर ग्लव्स ओके डन ओके आई विल बी बैक
ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਦਰ ਲਾਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪੁੱਤਿਆ ਸਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋ ਕਿੰਦੀ ਗਾਉਣ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇ आगे साइड पे भाई मन ब्लैक भाई आगे चलो आगे चलो हां बढ़िया 16 एंड फॉलोइंग कोड 6 ऑन द एरिया डू हैव अ ग्रे गुल्लू अपर गैराज सेवन थ्री टू गुड्डू अपर गैराज प्लीज 5 10 4 5 10 4 या सेम बाइक सेम बाइक रजिस्टर्ड ऑन जेम्स कार व्हिच वाज यूज्ड इन अ यस्टरडेज क्राइम Still need more additional on this one. Okay. 151 direct to Mickey. Copy. 20. Forum. 10-4. All right, the activity. Refueling will be joined. Go ahead, okay, call for me. Update 20. Disregard. Currently back down the street. Back down the street, taking right. Davy 70 westbound. Taking again right. Do you have enough units? I think so. Okay. Taking over the command for this. This call. Not audible, Yamat. Says he's taking off the cover. That's I hear. He said something after I couldn't hear it. Ever unit check. Yamat, how many units are here? It's a VC thing. Perform course is for around the area. Description. Black is black color key. And black the suspect is wearing black color hoodie. What the hell? Roger. The bike is registered in the name of James Segar, which was used in a crime. Roger. 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 Vehicle description? Bike color, black color bike. Kind of body. Okay. अरे या कल के सिचुएशन में जो यूज होते हैं ऑफिसर्स डाउन करने के लिए सेम बाइक है जेमसी कार के नाम पर 10-4 स्टेशन इट वाज नियर कालसन एवेन्यू और रिस्पॉन्ड ये रिस्पॉन्ड किया या 98 रिस्पॉन्ड कर रहा हूं ठीक है
This is a code 4, respond to the 90 alpha. 167 is responding letters alpha with a code 2. It's on the grape sheet, okay? So, gonna be 12 units responding, okay? No date, then it's gonna be 12 units. Okay, 10-4 sir, add 173 plus. अरे रुक जाओ भाई साहब, घोड़े मत रुक जाओ, सिचुएशन आती सिचुएशन हॉपिंग कर रहे हो क्या ये? कोड 4 नहीं करना आता पहले सिचुएशन को? कोड 4 दे दिया, इसके लिए हॉपिंग हुआ है. See the people who were in forum this continuous situation, there are multiple offices available, so they'll respond to the late 990.15-20 minutes मिनट बाद रुको. हाँ श्योर लगेंगे. मेरे को ना स्किन कलर की पेंट दिख रही है. लगेंगे 15-20 मिनट रुक जाओ, लगेंगे टाइम लेगा वो. हो जाएगा. कौन है एफटीओ? कौन है? प्लीज टेंथ्री ऑन द रेडियो. आई डोंट नो, मांबा है. मांबा को मैं कांटेक्ट करूंगा अभी. आई जस्ट तो मांबा को कांटेक्ट करूंगा. टेकिंग ओवर द कमांड और सुलेट टेक ओवर द कमांड. आई हैव यू रीच्ड द एसोसिएशन? हैव यू रीच्ड द 20? Have you reached the 90 alpha location? No comment. Anyone, okay. Please reach there, assist it, then take the command. I want officers responding to, you know, see the vehicles they're crossing grape seed. So, can any unit tell me that who's near the grape sheet? Direct to Mamba. Send it. That was 20. I'm heading towards the location, currently on the sandy floors. 10-4, you sending someone? You're not loud on radio, can you be loud? 173 Spencer, are you taking care of the down officer? Copy, Spencer as well as 167 is taking care of 13 Bravo. 16 will be backing off from letters 90 Alpha. For the securing officer. So there is a one vehicle heading towards city with the high speed with a purple color vehicle. Direction? LS intersection. Pull them over. On double front to Gordon, do you see anything on the location? Just see an open container, yeah. As in. Nearly there. Suggestion, दो बार आता है, एक बार वहाँ पे, एक बार जब वो उसको open करते हैं, तब भी alarm बजता है. तो city में वो गया तो city में फैल जाओ, हो सकता है मिल जाए हमको. Need at least two officer of this situation to be in city. 1:40 am I'm at city at south side. 10-4. So I'm 38 on a dark green in color vehicle, one occupation audition required. Mamba, just had that, there is one on the back. 173 heading back to city, okay? Copy, dispatch.
Okay, so since we don't see anyone on scene, I want officers to divide up. And I want officers at all the places like Senora, Palomino, Ellis and Ocean Highway. Every unit divide up. You want me to assign the units or you will divide up accordingly? One for day to south side. हमारे ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है लाइक मैंने रेडियो मैंने ज्वाइन करा इतनी बसर थी एंड सारे गैराज ओपन थे सर हां देख लिया मैंने देख लिया मैं भी नोटिस कर रहा हूं एंड लाइक कोई भी अंदर आकर गाड़ी अब वो जिसकी गाड़ी थी वो ले जा सकता है आराम से उसको यू नो एंड कॉल दिया था रेडियो बेटा हां बोलो एफआईवी में जब मैं था सो आई नो कि लाइक यहां पर कैसे कैसे बंदे हैं हमने तो लाइक सबको डाउट आके टॉर्चर कर रखा है सो बस नहीं एक सिचुएशन आते ही ये पागल हो गए वो यप कोई ना धीरे-धीरे टिक कर देंगे कोई बात नहीं बहुत जल्दी इनको कोई बात नहीं धीरे-धीरे हो जाएंगे ठीक सिचुएशन में अरविंद मामा तो आ जाओ हम चलते हैं साथ में कहीं वेट करेंगे ओके ओके सोलो ऑफिसर अवेलेबल एट 19 आई एम ऑन सोलो 20 साउथ साइड नियर सिटी हॉल तो सर आप मेरी मदद कर सकते हैं जो कॉल ऑफ सर कंप्लीट करवाना है वो मामबा ही कर पाएगा क्योंकि हर एफटीओ को मतलब हर क्रेडिट को एक एफटीओ असाइंड है ना अब मेरे साथ नहीं कोई भी नहीं क्रेडिट ना तो मैंने यूआई ट्रेनिंग पहले ले रखी थी मैं बेसिकली मैंने डिपार्टमेंट जॉइन कर लिया था तो रॉक ने मेरे को उठा के सीधा फाइव में डाल दिया बस ऑफ माय लाइक पास या देन वो सब को देखते हुए तो सर फाइव में डाल दिया मैं डाउन था अभी एकदम से भाई बंद हुआ तो मेरे को आना पड़ा तो यूआई ट्रेनिंग तो मैंने नहीं करी बाकी सारा डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन मैंने लाइक कंप्लीट कर दिया था सो आई थिंक जितने यूआई मैं तो उन्हें काउंट करके उन्हीं को असाइन करा तो मैंने बता दिया लाइक ड्रॉप तो हो जाएगा हाँ कोई बात नहीं मैं मामबा को बोल दूंगा क्योंकि वो एफटीओ मतलब वो उसमें है आई डोंट वांट टू इंडल्ज मायसेल्फ इन दैट ठीक है ना तो मामबा वो टेक केयर कर लेगा वो मामबा ही बन जाएगा एफटीओ के लिए सारे में कंप्लीट कर दूंगा बस ठीक है मामबा इज द राइट गाइस देन करवा देगा वो सारे एक दिन में एफआईबी क्यों बंद हो गया एकदम से देयर वाज अ नीड ऑफ एफआईबी आई डोंट नो वन व्हाट गो टू स्पीडी मुझे कितने का डबल अप होना है स्पीडी आई एम कमिंग टू 19 होल्ड अप Okay, officers who are at outside city, what's the call sign? We're ready to ascend it. 125, Mamba and Okay, direct to Ken. I want to be near the Palomino. And Ocean Highway, I'll put the Ocean Highway. Hold on. Iski number plate note kar lo, sir. No one. Okay. Flag kar do, Kunal. Mm-hmm.
the guy who wanted ride along, come to fuck him. Okay, I'll be heading towards the graveyard. I want the officers to be actively patrolling the city and the freeways. अभी है ना पहली बार ड्यूटी में हो गया तुम्हारा तुमने सेट सही चेक करा वो इसकी वैन 1738 टेक्सचर एक्चुअल का सीन या बट टेक्सचर का सीन चेक करा हुआ डी नहीं हुआ अबे यार हो जाना चाहिए अब तक उतना टाइम नहीं लगता मैं यार जो सोच रहा वो नहीं है वो चीज नहीं है वो नहीं है दूसरी है कुछ फिर मेरे को लगता है अंदरूनी इशू है मुझे ऐसा लग रहा है हेड टू गार्डन हेड टू गार्डन या हेड टू पलीटा रुक जाओ यार बातचीत कर लेंगे पलीटा पलीटा आह वेरी क्यूट कपल्स ओहो आ जाओ Let's go. Hey, sir. Hey, to convert, sir. Are you responding to this? No, I'm not responding to this. Is there any 1-300 available? क्या आपको पता कि आपको हमने pullover क्यों कराया? नहीं बिल्कुल नहीं पता. आपने red light break करी है and first of all आप बहुत ज़्यादा speed over speed कर रहे थे. अरे 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 देखा नहीं रेड चश्मा है ना तो रेड लाइट दिखता नहीं कैन यू शो मी योर लाइसेंस ओके दादा आपकी एज क्या है अरे बाप रे आई टेक माय वर्ड्स बैक कपल्स वाला अरे मतलब बेड की उम्र में गाड़ी कोई दिक्कत नहीं वो भी गाड़ी आपकी बेटी है बेटी है क्या आपकी बेटी है सर दोस्त है पोती अच्छा दोस्त हेलो दोस्त नाम क्या आपका दोस्त गूंगी है क्या मैडम मुन्नी तो नहीं है अब इसकी मामू का कुछ सोच ले कुछ गहरी सोच मामा मामा गहरी सोच में होगी ओके एक और बार दिखाना अपना लाइसेंस एक और बार 1974 इनके पास जो उनकी दोस्त है वो काफी खूबसूरत और काफी हाँ नहीं तो आप अकेले पकड़े जाते तो अभी फाइन कर रहे होते दोस्त का नाम तो होगा ना कुछ जो पलटो और जो साउथ साइड में वो कर वो रिस्पोंड हुआ क्या नाम है हेजल 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 हाँ या या अभी देखिए अगर इसे झूठ बोला ना फिर फाइन पड़ेगा तो झूठ मत बोलूँगा हेजल आगे क्या है हेजल क्या है हेजल इलामिन एक तो आपकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं कर रहे दिक्कत हो रही है मुझे बहुत कोई दिक्कत नहीं हेजल से तो एक ही हेजल आ रही है सर इधर आ गई पोपल नहीं बना होगा डूड तुम बिना प्रोफाइल के सिटी में ढूंढ रहे हो घूम रहे हो हेजल तो बना सर मेरे को ये घुसपैठिया लग रहे हैं तुम्हारा भी नहीं बना भाई मेरा बना है और की पार्टी कैसे बात कर जज ने बनाया मेरा केडी पाठक स्टेट आईडी बताना स्टेट आईडी मतलब स्टेट ओ मेरा है मेरा मेरा हां है 1071 ठीक है यार यौन सर थोड़ा ध्यान से चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलो और कोशिश करके अरे पीछे वाली मैडम बोल ही नहीं वरना ऐसा इंट्रोडक्शन देते कि क्या बताएं आपको हम दोनों अभी मुझे बता दीजिए अरे आप क्या करोगे भूल जाओगे दो रेड लाइट के बाद हमारा नाम आप फिर भी बता दीजिए क्या नाम है
बुड्ढे ऑफिसर का क्या नाम है? छह सेकंड। अरे मेरे जो लेफ्ट साइड पे हैं वो कुनवर हैं, मैं कालू सिंह हूँ। कालू सिंह ओके। नहीं नहीं ये कालू सिंह है, मैं कुनवर। हाँ वही मैं कालू सिंह हूँ, ये कुनवर है। तो बुद्धा वाला कुनवर है? नहीं वो कालू सिंह है। अच्छा वो कालू सिंह है। अच्छा जो आपके लेफ्ट में है मतलब मैं, मतलब मैं वो कुनवर है, जो आपके राइट में वो कालू सिंह है। अच्छा समझे। बहुत एनकाउंटर करे हैं कुनवर जी ने बताया। बहुत ज्यादा छाती देख रहे हैं आप? जितनी ज्यादा छाती हो तो वेस्ट है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब वेस्ट देखिए फूल रही है एकदम। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। और ऐसा करिएगा जब आपको टाइम मिले तो इनका नंबर पीछे वाले का टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं मेरे को इन्वेस्टिगेशन बहुत हेल्प चाहिए, बहुत ज्यादा तेज वाली। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेंगे। ठीक है जा सकते हैं आप। उससे पहले भागे फाइट होगा, पहले बता रहा हूं। हां नहीं भाग रहे, नहीं भाग रहे। 35 से नीचे, 35 से नीचे। बढ़िया यार, बात करो ना, बात नहीं करते हैं लोग। नहीं करूंगा मैं फाइन। बात बहुत तगड़े रहते चल, ये देखो कर लूंगा मैं, सच कह रहा हूँ, अब नहीं रोकूंगा। अभी तो वो बस किलिंग नहीं कर रहा ना मैं। ओ भाई सब सिचुएशन में लगे पड़े हैं, क्या बात है, क्या बात है। अरे उधर जाके देखो ना। एफआईबी में कौन कौन था जो भी आया यहाँ पे? सारी एफआईबी आ गई है हेड टाइम। चलो यार दैट इज गुड, बढ़िया। बट मैं नहीं चाहता था एफआईबी कभी बंद हो जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत ज्यादा टफ रहता, क्योंकि रॉक एक तरफ पूरी डिपार्टमेंट देख रहा है, फिर वहां पर वो एफआईबी भी देख रहा है। लाइक वो बहुत ज्यादा टफ डार्क लेवल, लेकिन अगर पीडी सिचुएशन आ गई तो उसे वहां जाना पड़ता है, फिर कभी एफआईबी सिचुएशन आ गई तो उसका वन वी आर चेजिंग इट वाज माय सिचुएशन में चेंज करना चाहिए। अच्छा तो फ्लैग कर दो प्लीज। FIV में बस ये है कि लाइक अगर मेरे को कोई फालतू बोलता है, कुछ भी करता है, कि मैं उसे उठा सकता हूँ, उसे पूछताछ कर सकता हूँ, I can do whatever I want, लाइक पीडी पुलिस वाले गुंडे। हाँ पुलिस वाले गुंडे, सही बात है। हाँ रॉक थोड़ा बिजी हो गया था। पर ठीक है। Near the gas station of Palito. Perform good sex. So where is Palito? Alright, unit little advice. There is a unusual traffic towards Palito side. There are many of the vehicles which are heading towards Palito. Maybe they will be coming. हम भी चलते हैं। Please be on alert. देखते हैं क्या हो रहा है। ये कैसीनो नहीं है, एक तरह का होटल ही है ये। Wait, is there anything on the 20? The tracker of the road? No, it's no. The thing is, we're not train track pe gaadi chala rahe hain, theek hai? Just because our car didn't jaati. So, you know, check out the train track. Casino, no, it's not open yet. Oh shit, bro. Coming from the grip street via our train track. So, yeah, yaar, ye to? What's the piche hotel? कहाँ पे है? मोस्टली लोग पीडी में ही हैं, हो गई है सिचुएशन खत्म। ये
मार अच्छे से from 38 on a black Angus, one of the band's little soul nobody ये कौन है हम्म क्रूजर 3 हेलो आप कौन हो भाई साहब जेम्स गॉर्डन कॉल साइन 151 सही है ढंग से रिपेयर कर देखो मैं बात कर रहा हूं दिख नहीं रहा देखो ऐसे बात करते हैं अपने फेलो ऑफिसर से ये तो फेलो दोस्त काम का नहीं है सर कुछ काम मेरे बैच का पहले सीनियर ऑफिसर बन गया या ऑफिसर बन ऑफिसर में हट गया कुछ काम करने फायर का नाम क्या है जो अंदर बैठे हैं ये ड्रैग चला अंदर बैठे कोई बाहर आके बात कर सीनियर के फॉर्म कोड पर दी मारूंगा इतना पीड़ी में इसलिए लियाज में कॉल लेट एक बार मिल कब बाहर आप इसकी चिंता मत करो सुधार दूंगा मैं इसे दो दिन दो मेरे को बस कितना बढ़िया रहेगा ना दोनों सस्पेंड हो गए अगर तीन तीन दिन के लिए अरे कॉल आ गया सस्पेंड आप हो कौन कैप्टन कुनवर सिंह साहिब कैप्टन कब बन गए प्रोबेशनरी थे ना आप तो हमारे साथ बस क्या चल इतने बच गए अरे चल भाई तू चल वो पागल हो रहा है रेडियो पे कौन सी आज एक 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 तो पकड़ के ही जाएगा ये एक पकड़ के जाएगा जगह फ्रेश यंग ब्लड सॉरी फ्रेश यंग हॉट ब्लड नहीं नहीं थोड़ा गाड़ी चलाने पे ज्यादा फोकस है लोगों को आजकल बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्यों लुक क्या आर यू सोलो मैं तो मर हो चुकी है अब क्या गाड़ी चला अभी सही बात है कैंडिडेट को बैठा के चलाने वाली हूं मैं गाड़ी को है उसको सर ये जो अभी सिचुएशन पे रिस्पोंड किया था सबने आप थे क्या उसमें मैं नहीं था मैं तो नहीं था किसी सिचुएशन में बताओ क्या हुआ आपने जो कॉल दिया था कि ये सिचुएशन स्विच कर रहे हो वो वाले सिचुएशन में हॉपिंग हुई है नहीं हॉपिंग हुई है ना सिचुएशन की कॉल आते ही लोग पागल नहीं वो तो ठीक है नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको कि आप थे क्या इतना ही पूछ रहा हूं नहीं 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 मैं समझ गया बोलो क्योंकि जो हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है क्या हुआ है बोलो ना I was in a Crown Vic with Spencer and Rajan, okay? We were responding, we were primary. So, our cruiser 3, I don't know the officer because he didn't even stop. They just rammed a vehicle went at the other side of the divider, come back to the right lane and one officer our caught down and the cruiser 3 didn't even stop. So, I mean sir, itna situation ka bhuka kyun hona officers ko? मतलब दे डिडंट इवन केयर फॉर आवर ऑफिसर्स की ऑफिसर आप ठीक हो लगा है नहीं लगा है दे जस्ट वेंट कि हां भाई चलो जाना है तो जाना ठोक दिया चले गए रुके नहीं ये हुआ लॉस सेंटोस फ्रीवे पे सेंटोस फ्रीवे पे वी गॉट टू कैजुअलिटीज मेरा का मैसेज था ना मैंने अपडेट किया ना कि टू ऑफिसर्स गॉट डाउन ड्यू टू मैड ड्राइविंग एट द एलएस फ्रीवे परफॉर्मिंग रेड ऑन अ ग्रीन कलर व्हीकल एट इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड अनफॉर्चूनेटली पीपल आर टू कंसर्नड अबाउट Some shithead is actually trying to steal something. It seems like it is their private property. They are trying to actually solve it. Is his name Jaden? कुछ आइडिया है क्या कॉल साइंस या कौन थे गाड़ी में जब मैं स्टार्टिंग में उसको पुलओवर उसी को पुलओवर किया था और उन्हीं के साथ था उन्हीं कॉन्वे के सर ये सब अगर हो रहा है तो फिर तो सिचुएशन के लाइफ को भी हमारे ऑफिसर से वो है हम है अभी हमको क्या है कि आगे जाके ना कि हो सकता है कुछ कमांड ही ऐसे हैं तो मैं क्या बोलूं क्या हो गया अरे यही सिचुएशन कमांड है या ऑफिसर है वो डजंट मैटर बट एटलीस्ट यू जस्ट आस्क योर ऑफिसर वेट करो कि हां ठीक हो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं ये सब नहीं कुछ भी नहीं हमें सिचुएशन पे जाना है बस दैट्स द मेन गोल कि हमें सिचुएशन पे जाना है हमारा ऑफिसर मर जाए हाँ देखा हो मैंने देखा काफी नोट किया भी सिचुएशन तो आती जाती रहेगी ना सर समझ में ये नहीं आ रहा पॉइंट क्या है कि अभी ये समझ में नहीं आ रहा ये एक व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव We can promote them without even like, you know, catching one single criminal if there are other investigations or probably the way they speak, everything is actually in proper form. Full FIB is like, okay, Wendy.
मैं तो किसी को भी प्रमोट कर सकता हूं इफ आई सी दैट यू नो ही इज एक्चुअली डूइंग हिज हार्ड वर्क एंड आई कैन थॉरली फील ट्रूली दैट नो ही दैट पर्टिकुलर ऑफिस इज ग्रेट एंड इट विल बी एन आस्क तो उसको फटाफट प्रमोट कर सकते हैं उसको कोई बड़ी बात अरे मेरे को आरपी में नहीं पता ना फुल एफआई बैक कर रही है आई एम फाइंडिंग इट वेरी रिडिकुलस एट द मोमेंट कि दो ऑफिसर्स डाउन हो गए एंड देयर वर टू डाउन सिचुएशंस व्हिच आर हैपनिंग एंड आई थिंक इट्स वेरी क्रेजी यू नो वेरी वेरी क्रेजी हिम्मत वाज देयर ही केम लेकिन फिर भी आई थिंक नहीं मेरे को समझ आ गया था व्हेन आई टोल्ड ऑन द रेडियो दैट सिचुएशन हॉपिंग करना बंद करो तो मेरे को आगे से एक रिप्लाई मिला कि कमांड ने कोड 4 बोल दिया कब कोड 4 हुआ वो सिचुएशन नहीं होता इट वाज लाइक आफ्टर कॉल अंदर जस्ट 2 सेकंड पहले बोला मैंने ऑफिसर जस्ट स्टेप आउट ऑफ द व्हीकल इंसटेड ऑफ लिसनिंग गेट आउट ऑफ द व्हीकल एंड स्पीक कम हियर कौन है अंदर अभी से बात कर रहा हूं सर आ जाइए आ जाइए आराम से बात कीजिए पार्क कर लीजिए फिर आके बात कर लीजिए पार्क कर लीजिए गाड़ी को पार्क कर लीजिए आराम से बात करिए जेम्स गुड डन ही विल आल्सो गेट टू नो ना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है इट विल बी ग्रेट द पॉइंट इज दैट सर कि एज अ कमांड मेंबर आई एम टेलिंग यू देयर इज टू थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग वन पीपल आर नॉट लाइकिंग टू बी गेट इनटू कॉल इनटू मीटिंग्स दे डोंट लाइक टू टॉक ओवर लेंथ दे डोंट लाइक टू बी क्वेश्चनड दे थिंक दैट Overruling the discussion without having a proper justification about something is absolutely disgusting. अगर आप किसी को show cause notice करोगे तो अपने आप को वो clarify कर ही नहीं पाएगा. That is the problem. That person may get a probably additional dabs, you know, just because he was not able to verify himself or justify himself. जो भी बातें बोलेगा, he will say that you know I heard that it was a code 4. The commanding officer will say I never gave a code 4, but I heard a code 4. I don't know what happened to my radio, right? I will not accept that answer. I'm going to go ahead and actually give that dab. That's what I'm trying to say. And people will not like it because they're going to actually get their disciplinary, you know, action points, whatever. So, I am very surprised that two officers down there and we are just like chasing some part for wit, low self-esteem swines, you know, some guys who are actually trying to just rob a vehicle or whatever the case may be. Usme sir state ka paisa ja raha hai, something is happening. I don't know what's wrong. And what's the commanding of this 90A situation? अभी वाला कि पहले वाला अभी अभी वाला अभी फर्स्ट वन अभी वाला तो सर मुझे मालूम नहीं आई थिंक आवर वैल्यूड ऑफिसर्स कैन एक्चुअली से टेल अस हु वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द करंट वन बट द प्रीवियस वन जो सिचुएशन हुआ वो ही नहीं था उसमें कोई नहीं था तो उस पे जब वो सिचुएशन हो गया तो दो बंदे डाउन हो गए ना दो हमारे ऑफिसर्स डाउन हो गए तो मैं वहां से बैक ऑफ कर दिया अभी मैं द प्राइमरी यूनिट बट आई बैक ऑफ बिकॉज़ आई नो दैट नो आवर ऑफिसर्स आर एब्सोल्युटली डाउन राइट इट्स बेसिकली 78 सिचुएशन राइट बिकॉज़ ऑफिसर्स आर डाउन The point is that I think there is a lot of value which has been given to stolen vehicles, 90A and etc. blah blah blah. Unless it is a hostage situation, we don't even know what exactly the situation is. We are creating the urgency by default. We know everything, actually, right? There was no one commanding, but the dispute was taking place. Like, who is taking command? Like, who is taking the command? Like, people were eager. Do you know if there is a hostage situation? My question is. Why are we terming it as is absolute necessary to respond to it on a priority basis where we actually thrashing two officers who are absolutely down and they got to know that there is a 13B if I get that right if I call it a if 213Bs are actually happening and it's been already been pushed out then it's a good character why fuck why we were right there in the vehicle people actually crossed up by you know through our trackers but still they don't have the audacity to stop I'm trying to understand what basic thing is ki now there you go do you see what exactly happened with that vehicle so I need people to stop like eavesdropping discussion let's get down talk to each other what exactly is happening you know what I mean to say choose to hear choose to ignore is not going to be an option right okay okay do bande log to down ho gaye wahan pe aur fir aage badh gaye log and then Mickey got absolutely very up involved the situation 90 wali ha batana bhai I don't think so to chillaya radio pe pehla मैं चिल्लाया मतलब मैंने ही चिल्लाया कौन था वो ऑफिसर जो कोर्ट ऑन करके सीधा राइट दबा के बिना कुछ बोले सीधा निकला उस वजह से हमारा भी एक्सीडेंट हुआ उस वजह से सर वो बोले लाइट ऑन करके तो मैं था जो सबसे पहला निकला यस जो हमको ओवरटेक करके गया यस तुम नहीं था है तुम नहीं था वही बोल रहा है तुम नहीं था तुम तुम्हारा नाम क्या है जेम्स गॉर्डन नहीं आई डोंट थिंक सो यू वर देयर मैं वो निकला था जो आप बोल देते सबसे पहले
ओके ओके हैंग ऑन फॉर अ सेकंड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन. इवेंट्स ऐसा हुआ, वी वर द प्राइमरी यूनिट, वी वर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग इन अ सीबीपीआई ऑन द एलएस फ्रीवे. आई एम सॉरी बट वी गॉट हिट बाय अ व्हीकल. इट वाज अ क्रूजर यूनिट व्हिच वाज मच फास्टर इन वेलोसिटी, है ना, जो हमारे से तेज गाड़ी थी. उन्होंने एक्सीडेंट मारा, हमें टक्कर मारी और एक ऑफिसर डाउन हुआ. उसमें से एक ऑफिसर डाउन हुआ एंड आई थिंक वो तो मैं नहीं था. दैट आई थिंक दैट वाज ऑफिसर राजन व्हिच ही वेंट द अदर साइड ऑफ द रोड. ओके, फिर दूसरी बार फिर से टक्कर मारी गई हमारे कार को वापस, ठीक है. उसमें फिर मिकी डाउन हो गया, तो गाड़ी से बाहर नीचे गिर गया. मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो ये दोनों सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे बिकॉज दे वर एक्चुअली यू नो दे वर एडजस्टिंग समथिंग, राइट, प्रोबब्ली द आर्मर समथिंग दे वर डूइंग एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डिडंट हैड द सीट बेल्ट ऑन. अभी पंगा क्या है कि बिकॉज आई हैड द सीट बेल्ट सो आई सर्वाइव दैट पर्टिकुलर यू नो सिचुएशन और मैं बाहर आया. एंड मीनवाइल हिम्मत सौ, आपने देखा चिंगारी क्या हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन व्हेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू आल्सो गेट द टू थिंग्स है, पहला तो टक्कर वक्कर हुआ तो बात की बात है, राइट, दैट इज हैपनिंग, दैट इज फॉर श्योर. बट ये जो 78 का सिचुएशन होता है कि ऑफिसर डाउन कर दो, सब भागे भागे जाते हैं, राइट, तो अगर खुद से ही ऑफिसर डाउन हो रहा है तो उस पर कोई सैंक्टिटी, कोई डिसेंसी कुछ है कि एक तुच्चा लुच्चा सुअर जा करके एक कार चुरा रहा है, उसको हम लोग इतना क्या बोलते हैं स्पीयर बना दिए कि भाई ओ माय गॉड समथिंग इज हैपनिंग लेट्स रन. क्या हो गया, आई डोंट इवन नो इफ देयर इज अ हॉस्टेज सिचुएशन. सो यू आर टॉकिंग अबाउट 78 पीपल नीडेड टू गिव अ रिप्लाई ऑन अ रेडियो फॉर एक्नॉलेजमेंट. And we are talking about 78. It is a hell lot of thing ahead, but at least people should give acknowledgement on radio. Acknowledgement radio करना चाहिए. हाँ हाँ. अभी नहीं करते. Absolutely. 91 provide करते तो शांति हो जाती radio. क्योंकि और ये मैं इस perspective को सिर्फ high command के सामने, शाही सर के सामने इसलिए ला रहा हूँ, so that at the moment I can't do anything, right? It's I leave up to his discretion. Obviously, Mickey is an HR. He will understand that, you know, what exactly is happening. They will understand. But if something comes to my recommendation, I will also speak as well as a command member. But I'm just trying to say, थोड़ा सा introspect करो कि क्या कर रहे हो यार. खुद के बंदे लोग को ही मार मार के निकल जा रहे हो. क्या होगा इससे? What is going to happen? ना कोई बात सुन रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है. बस दो घंटे की मीटिंग के लिए सब लोगों को तकलीफ होती है अंदर में. There is a lot of bonding actually, Himmat. And I'm not going to into arguments. I'm just being very, very, very carry on this. There is a lot of bonding in between situations. They will definitely respond to it. But the point is that ki when we are actually involved in a conversation, what is more important? 76. The convo. अब कौन सा सिचुएशन चल रही है? अपडेट कॉम्स. देखो. मागे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. स्पेंसर इनको ना डैब दे दो. स्पेंसर सुनो 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 अब मैं सुनो 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 कैन यू लिसन टू मी कैन यू या ओके थैंक्स दैट्स ग्रेट. इनको डब पॉइंट्स दे दो, प्रोवाइड देम डब पॉइंट्स अकॉर्डिंगली, रिलैक्स. हाँ, कोई दिक्कत नहीं. सांस में सांस आया बेचारे का. हाँ, व्हाई आर यू नॉट गिविंग डब पॉइंट्स? यू आर अ कमांड, गिव देम फकिंग डब पॉइंट्स. दिस इज वी हैव. आई विल रेकमेंड, दे विल, आई विल रेकमेंड बट आई विल नॉट प्रोवाइड दैट. आई विल रेकमेंड फॉर श्योर बिकॉज़ दिस इज, आई थिंक जैसे सीनो अनफॉर्चुनेटली ही बिकम्स, ये कौन सी रेडियो पे चल रही है पता नहीं सर, आई थिंक प्रायोरिटी वन पे ही है मेरे रेडियो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई कम ऑन शाही, द थिंग इज दैट कि कभी-कभी ऐसा होता है कि सीनो बिकम्स इन्वॉल्व, सीनो गेट्स इन्वॉल्व इन सर्टेन थिंग्स एंड दैट एक्चुअली सेट्स अ प्रीसेडेंट, राइट, बहुत सारी चीजों के लिए, है ना. तो अनफॉर्चुनेटली ही हैज बीन लाइक सम एग्जांपल्स फॉर अस, लाइक ठीक है, हम उसको ये नहीं बोलते कि हां ही इज अ बैड और एनीथिंग लाइक दैट, राइट. But he gives this, gives the LSPD an opportunity also, in a blessing in disguise, I would say, ki bhaiya, we can improve in lot of situations, right? Yehi maine kal bhi bola tha, right? Miras pe maine yehi bataya tha ki bhai, somehow, Sino is doing this, or unknowingly, knowingly, whatever the case may be, I don't know, his personal reservations. But usse hum log bahut kuch seekh sakte hain, ki what things are actually going wrong, and we can actually get it resolved, right? Abhi kya hai, yeh sab cheez ko kaise sikhaye, sir? धक्का मारे चले आना, मार दो, गलती हो गया, ठीक है, मान लिया गलती हो गया, रिस्पॉन्ड कब होगा, बात कब होगा, क्या होगा,
एक दिन क्या बोला था मैंने उस दिन चिंगारी था क्या बोला था स्प्रेड आउट सिचुएशन स्प्रेड आउट करने के लिए ना लोगों आज आपको पता है 15 मिनट पहले पूरी ऑफिसर स्प्रेड आउट थे जीपीएस पे बराबर मगर वो सिचुएशन के लिए था ना एग्जैक्टली तो हर दिन सिचुएशन है ये सिटी ऑफ ये ऑफिस ये जो सिटी है क्योंकि आइसोलेटेड एरियाज तो नहीं है खाली वहीं पर कायम होते हैं सिटी के लिए सैन एंड्रियास में रहना अभी तो मेरे हाथ में कमांड नहीं आया जिसने और हायर कमांड आएगा तो मैं तो उठा उठा के देने लगूंगा जिसको रहना रहो नहीं रहना मत रहो अगर गलती करोगे तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी तो यू आर स्टिल कमांड मेंबर राइट आई एम सर बट आई हाईली रिकमेंड दैट यू नो द एचआर शुड एक्चुअली टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस एंड प्रॉब्ली लीगल एक्शन क्या होता है दैट इज अ वेरी रॉन्ग टर्म सर अलाउ मी लीगल एक्शन इज अ वेरी रॉन्ग टर्म वी जस्ट हर्ड अबाउट द लीगल एक्शन अलाउ मी टू कंप्लीट अगर वो शोकॉस रेस करेंगे तो बल्कि बेटर है सो दैट यू नो द ऑफिसर आल्सो गेट्स अ चांस टू एक्चुअली एक्सप्लेन हिमसेल्फ दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड आई डोंट थिंक सो कि बबल और समथिंग लाइक यू नो आई हैड हेडेक्स और एनीथिंग लाइक दैट व्हिच कुड बी एन रीजन द पॉइंट इज दैट यू जस्ट कंटिन्यूड इवन आफ्टर एक्चुअली लुकिंग एट अ यू नो 13 ब्रावो राइट व्हाई डिड यू कंटिन्यू इफ यू आर लुकिंग एट अ 13 ब्रावो यू नो दैट यू गॉट अ 13 ब्रावो आई थिंक अरे व्हाई यू आर लीडिंग एचआरस इनटू एवरीथिंग लाइक व्हाई इज द कमांड पोजीशन गिवन टू यू I'll tell you why I'm saying so. I'll tell you why I'm saying so because he's actually directly involved in this. We were discussing regarding this in the hospital. I'm not leading somebody over here. So you are the command taking the necessary duties with your due diligence, with the needful, because you are the command member. And nobody is gonna pinpoint any decision that you took, right? कालू तुम इधर है क्या कालू कौन है भाई कालू नहीं है साहब के साथ कालू नहीं है आप देख लो निकल के कालू 42 मे बी कुछ कालू द गाय फ्रॉम FIB अच्छा नाम है उनका और इसे जस्ट एक्सप्रेशन नो इट्स अ नेम व्हाट हैपेंड अरे इस सिचुएशन की ना कोई कॉल बनी देयर वाज हॉपिंग देयर वाज एवरीथिंग देयर वर मेनी थिंग्स Why? Honestly, mistake of the commanding officer. Who was the commanding officer? Pretty. That we all. No commanding. Meri naam. False one. Wow. 12 unit ka thik karo. Decide karo. Radio switch karo. Wohi primary radio pe chi paw paw lag rakhi. Kya hai ye? क्योंकि देखो अगर ऐसा भसड चलती रही ना तो एक रिफॉर्म आ जाएगा दैट ओनली कमांडिंग व्हिच इज अ सर्जेंट will be taking over the command और जब तक उसकी discretion पे वो लोग choose करेगा I want this officer ऐसा ही होगा कोई फिर अपने आप से respond नहीं कर पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो see personally this was my first call responding to this you know 90 है मुझे नहीं पता था कि दुबई location आती है हाँ that's okay इसीलिए the thing is next time I know what to do as this arch yes that's okay yeah और so I think yeah continue. वो किसने कॉल दिया था कि एक बहुत ही हैवी कॉल था पता नहीं किससे कि कौन है कमांडिंग तो मामा ने बोला था कि मैं ले रहा हूँ कमांड अगर कोई नहीं ले रहा तो किसी ने कॉल दिया था कि अगर आप जब तक पहुंचे नहीं हो तो कमांड क्यों ले रहे हो बराबर ये मैंने कॉल दिया सर बोलो ये मैंने कॉल दिया ये क्यों ये कॉल मैंने दिया सिचुएशन में पहुंचा नहीं है तब तक कमांड क्यों ले रहा अगर सिचुएशन एलएसपीडी से हटके जो है क्या है वो सैंडी के एयरफील्ड पे तो पहले वहां तक ट्रैवल करे बंदा फिर वहां जाके वो कमांड ले फिर वहां जाके डिसाइड करे इट इज नॉट लाइक दैट नहीं नहीं कुनवर सर इसके ऊपर से डिस्कस साहब देयर वेयर हैज बीन फाइट ड्यू टू
taking over the commands and command की वजह से यार देखो हाई कमांड से पिछले बार अरे हाई कमांड से चेंज हो जाएगा भाई अभी चेंज हो जाएगा सुनो बट जब तक आप हां बोलो बोलो आप लोग सिचुएशन असिस्ट नहीं कर रहे यार एग्जैक्टली है वहां पे तो कैसे कमांड यार देखो एक लॉजिक बनता है अगर यहां से सैंडी जाने का रास्ता 5 मिनट है सपोज ठीक है तो 5 मिनट के अंदर इतनी भसड़ हो जाएगी ना जो कमांडिंग लेगा वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा पहली बात तो यार ये कमांडिंग वाला सीन तो रेस बना दिया जो सबसे पहले होता है वो कमांडिंग देखो क्या कह रहे हो नहीं ये भसड़ ना हो ना कुनवर सर रेस बना दिया रेस सबसे पहले जो पहुंचा वो हां वो ही रेस बना दी भाई तभी तो भसड़ होती है ये सिंपल ऐसा करो ठीक है ये मैं हाई कमांड से डिस्कस कर लूंगा जो कमांडिंग ले रहा है बोल दो ठीक है कोई भी सार्जेंट पोजीशन या अगर सार्जेंट पोजीशन कमांड नहीं लेना चाहता वो किसी ऑफिसर को बोल दो दैट यू टेक द कमांड स्टार्टिंग टू एंडिंग वो असिस्ट कर देगा वहां पे राइट तो भसड़ नहीं होगी वो रेडियो स्विच भी करवा देगा वो यूनिट भी बनवा देगा सिस्टमैटिक रहेगा ना यार सब एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट लाइक जो भी हायर रैंक्स पे है वो सिचुएशन जम कर रहे तो सही पकड़े बिल्कुल सही पकड़े तभी तो रिवैल्यूएशन हो रहा है अभी वैसे फोरम ड्रेप पे था कौन किसने हॉप किया था कोई द कमांडिंग आई केन का नाम क्यों ले रहा है क्या कौन था कोई केन का नाम ले रहा है कोई स्पीडी का नाम ले रहा है आई वाज द कमांडिंग मैं नहीं था भाई अच्छा एक मिनट फोरम पे कौन था फोरम पे भाई की चेस में कौन-कौन था कमांड कौन था फोरम का कमांड कौन था फोरम सिचुएशन का कमांड कौन था कोई नहीं ले रहा तो मैंने ले लिया या आपके सिचुएशन में कौन-कौन था सलमान था आप थे और एक यूनिट था कोई तो स्टैंड बाय पे कौन था आई डोंट रिमेंबर हिज नेम स्टैंड बाय पे था और सर मेरी स्पेंसर अरे टोटल और कौन यूनिट था मिकी बोलता था क्यों नहीं है यार मिकी हां मैं था कौन कौन था याद आ रहा है हां मैं ना पता नहीं समझ गया ना अब समझ गया ना सिस्टम क्या है बस What does it mean? आपको लगता है यूनिट्स एनफ है तो आप रेडियो स्विच कर लो नेक्स्ट टाइम से स्विच कर लो और अरे चेस ओके सुनो लिसन आई विल टेल यू द सिनेरियो चेस चालू चेस ओके कोड 4 हो भी चुका था रुको एक सेकंड वसीम सर चेस चालू होने 2 मिनट भी नहीं हुए इनफ यूनिट्स भी नहीं हुए थे कंफर्मेशन भी नहीं मिला था कि इनफ यूनिट्स है या नहीं वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द बैकअप ठीक है सेकेंडली रेडियो स्विच करने की वक्त कब आएगा ना जब यूनिट कंफर्मेशन हो गया पता चला कि यूनिट सफिशिएंट है तब स्विच मारेंगे ये सब होता नहीं वीसीपी हो जाता है 4-6 परफॉर्म करते फिर भी नहीं मिलता है उसके 1-2 मिनट बाद ये 90 अल्फा का कॉल आता है ठीक है फिर क्या ये चल रहा भाई हो जाता है नाइस नाइस तो इसमें कमांड की क्या गलती हुई है नहीं यार एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वी डिडंट गेट द कॉल ऑफ कोड कोड फॉर ऑफ द सिचुएशन दिया था उसने कोड 4 का कॉल दिया कोड 4 था हां कोड 4 का कॉल क्या बात कर रहे हो वसीम सर खुद बोले कोड 4 कमांडिंग नहीं थे इसके लिए हम स्विच कर रहे अगर कोड 4 वाला कॉल आता ना अच्छा इट्स लाइक टू बी ऑनेस्ट टू बी लाइक ये चीज में बैठ अच्छा वसीम सर को पूछो वसीम सर कोड 4 को कॉल नहीं दिया मैंने दिया था तभी तो मैं स्विच चली थी जब कि मैं बैकअप में था उसके बाद भी मैंने ठीक है उसका कॉल आने के बाद स्विच मारा ये भाई ठीक है सलमान को बुलाना सर लौटने का मत देख सलमान को बुलाना सर सलमान है सर सलमान सलमान पता नहीं इज ऑन ड्यूटी और नॉट ओवर पर यार मैं चीज बोलूंगा मेरे को चीज बोलूंगा छोटे-छोटे चीजों का देता है ना जैसे 25 करना है या किसी से कांटेक्ट करना कुछ भी करना वो चीज 311 किया करो तब अच्छा होगा क्या बात है तो जब डेली मीटिंग होती है तब तब कुछ डिस्कस नहीं करते हो तुम सब शांत रहते हो तब ये पॉइंट उठाया करो भाई यार यार की करता है कौन एरर करता है अभी आया होगा दिमाग में मीटिंग ये आया आपको अभी बोल के अरे ये बात तो सही बोला इसको हां अभी आया होगा तक नहीं आया था एग्जैक्टली ठीक है सलमान आई थिंक सलमान से भी क्लेरिफिकेशन ले लो अरे मेरे को अभी भी जानना है वो व्हीकल किसका था रे बाबा उड़ा के गया दिख जाएगा सर दोनों लोग का दो को मार के गया है ना मैं पालामिनो से गया था भाई अच्छा मुझे तो लगता है कि ये नहीं था लग रहा है हिम्मत आ रहा था थ्री व्हीकल पे उसी रेंट करता है गॉर्डन पे हिम्मत ही नहीं मैं था गॉर्डन था ही हिम्मत ही ये गॉर्डन ही लग रहा नाम डाल रहा है कब से ये था वो था ये
मत करो यार ये सब मत करो, खत्म करो, वापस जाओ ड्यूटी पे जाओ, जाओ भागो, छोड़ दो अपना अपना काम करो। अरे शक्ल देख ले, चोर तेरे नाम इंटरव्यू लिया। Can you bring your nickname to me, please? I'm like bad at names. It's George. Yeah, that's better. You're from FIB? Or Jorge. I can sense that. No, I'm not so? Part of FIB. I'm just a LSPD. This is your new batch, your batch C. Batch C, nice, nice. Good to see you, good to see you. Yes. Alright guys, enjoy. Okay sir, have a nice day. You too. आ जाओ चिंगारी। कर मुंह चोदी इससे कर। सर आपका नाम कैसे कैसे अपशब्द। बातें पे डाल। क्या चल रहा है ये? कुंवर सिंह बोला ना नाम अपना आपने। कुंवर सिंह। क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है सब? क्या दुनिया भर का काम पे झाट रहे हैं। अबे क्या ही नहीं? चल चल। किसने? नया कैडेट एक बार देखना तो दिया नहीं। देख रहा हूँ। ना उसमें भी दिया ना इसमें भी दिया। चलो। कोई दिक्कत। कल भूलेगा उसको। प्रिपेयर्ड हो? अरे सब 24/7 प्रिपेयर्ड है। चलो डांसिंग। मगर हमको ये समझ नहीं आया। आपने यही कुछ ये जो अभी बाहर बोला हमने तभी आपकी बात को काटा ही नहीं इसकी। हमने तो हमेशा से यही सीखा है कि अगर सिचुएशन में जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक कमांड लेके लॉजिक नहीं बनता साहब। यार देखो मैंने ये लॉजिक अभी क्यों लगाया चिंगारी, देखो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना पीढ़ी की अभी राइट नाउ वो यही है कि एक उनको डायरेक्शन देने वाला मसीहा मिले तो उस डायरेक्शन में भागे पहले। बराबर ठीक है, तब कंट्रोल ले रहा है आज इतनी हारी कैसी। बता देता है जो सिचुएशन है ना, एनिमेशन वाला सिचुएशन है, मतलब ये वाला ऐसी भाई रखने ये वाला है, लॉन्ड्री मार्ट है, ऐसा कोई सिचुएशन है उसके लिए स्ट्रिक्टली बोला हूं सिर्फ कमांड मेंबर सर्जेंट एंड अबाउट ही कमांड लेगा वो भी सिचुएशन पे पहुंचने के बाद। ठीक है तो सर्जेंट नहीं, दिक्कत ये ना कि सर्जेंट प्लस कमांड तो चलो ठीक है वो भी मेरे को चलेगा अगर लोग, बट कोई कमांड ले ही तो नहीं रहा स्टार्टिंग में कि अगर बोल के बोल रहा है कि चलो मैं कमांड ले रहा हूं। और दिक्कत है ना चिंगारी देखो जैसे ये 90 है अब वो इतनी दूर है, अब जब तक कोई कमांड पहुंचेगा ना और उसमें ऑलरेडी अगर 12 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अब वो कमांड बोलेगा नहीं मेरे को एक बंदे को निकालना है और मेरे को दूसरा बंदा लाना है, तो जो पहला बंदा ऑलरेडी पहुंच चुका है उसे कैसा लगेगा? क्योंकि लोगों को अभी लोगों को वो देना पड़ेगा ना, ट्रैक देना पड़ेगा शुरू से। बराबर ये सही बोल रहा आप। तो नहीं पास वाली सिचुएशन ठीक है, बहुत दूर है। हाँ वही कह रहा हूँ, तो हम आपकी बात को काटा ही नहीं, आप बोला बस पास वाली सिचुएशन ठीक है रिस्पॉन्ड करो कमांड लो, बट दूर वाली का पहले से ये कमांडिंग ले लो, चलो ठीक है मैं कमांडिंग हूँ ये 12 बंदे वहां जाके सिचुएशन असेस कर लेंगे अपन। ठीक है ना, चलो आ जाता हूँ। 102+1 गोइंग 10-7 फॉर इंटरव्यू। कुर्सी चलो ठीक है, रेडियो रेडियो ऑफ कर दो। हाँ रेडियो ऑफ कर दो, 10-7 मार्क कर दो अपने को।
कर दिया। ठीक है तो शुरू करते हैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से पहले। ठीक है दे दीजिए फॉर्मल इंट्रोडक्शन। एक आईएसएल वसीम चिंगारी डेली होल्डिंग द रैंक ऑफ सर्जेंट इन एलएसपीडी। स्टार्टेड माय करियर इन एलएसपीडी ईयर एज अ कैडेट विद लॉन्ग हार्ड वर्क आई हैव रीच्ड विद दिस पोजीशन। Okay, Chingari, what's your call sign? 173. 73, just a moment. State ID 1336. 173136, alright, I got you. ठीक है तो order questions का कुछ भी रहेगा, right? 1136 हाँ, sorry, 1136. हाँ, done. ठीक है, मिस्टर बोलो. तो order कुछ भी रहेगा question का, easy, hard, difficult कुछ नहीं और. हाँ, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है और कभी भी एसओपी कभी भी सिचुएशन कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा और हर आंसर को सोचने के लिए 10 से 15 सेकंड ही मिलेंगे बस नॉट मोर देन दैट। अगर आपको नहीं आता आंसर बाय एनी चांस जस्ट बी ऑनेस्ट। अगर आपको और टाइम चाहिए तो जस्ट बी लाइक बोल दो कि मेरे को आई नीड मोर देन 15 सेकंड्स तो उसके लिए पॉइंट्स कम होते रहेंगे राइट हर एक इवैल्यूएशन में। चलो ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद द रीजनेबल कॉज और प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या होता है। Probable solution or reasonable cause? Solution, sir. Probable solution and reasonable cause. देखो reasonable, probable, reasonable cause ये होता है कि अगर आपके पास suspicion है। बच्चोदू भाई। अगर probable cause बहुत simple है आपके पास evidence है कि ये बंदे ने गुना चैट में नाइस नाइस बॉनिफाइड प्रूफ है आ गया मैं चैट दैट इज प्रोबेबल कॉज चैट आ गया चैट आ गई और रीजनेबल सस्पिशन होता है यहां पे आपके पास प्रॉपर सस्पिशन हो सकता है कि ये शायद इन्वॉल्वड है जिसने ये किया होगा उस बेसिस पे आप उसको डिटेन करके आगे पूछताछ करते हैं। ओके ठीक है डन है। तो एक कमांड की ड्यूटी क्या होती है बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड मेंबर की। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड का ड्यूटी है उसके अरे रुको तो अभी तो बहुत क्वेश्चन बनाया भाई बहुत क्वेश्चन बनाए उसका बेहतरीन एकदम वर्क है बराबर कर रहा है। अगर उनको कुछ दिक्कत आ उनको हेल्प करना उनको गाइड करना बेसिकली कमांड का जिम्मेदारी होता है कि अपने से जूनियर जो ऑफिसर है उसको गाइड करना और उनको हेल्प करना बेटर ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है ओके तो आपको मिरांडा राइट्स पता है चिंगारी जी साहब। तो ये मिरांडा राइट्स वो मैं नहीं पूछूंगा क्या होते हैं मतलब क्यों चाहिए हमें मिरांडा राइट्स। देखो मिरांडा राइट्स सस्पेक्ट से ज्यादा अपने बेटरमेंट के लिए है। ठीक हम बताते हैं क्यों तो आप उसको मिरांडा राइट्स सुना देता आपके पास है ना एक क्या बोलते एक एडिशनल वो हो जाता है क्या बोलते हैं वो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है अब आप उस इन्फॉर्मेशन को कोर्ट में यूज कर सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसने चोरी किया है भले आपके पास वो टाइम पे अभी प्रूफ नहीं है मगर वो इन्फॉर्मेशन यूज करके आप और सबूत और गवाह इकट्ठा कर सकता है कि उसने किया अपना केस स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ओके और ये मिरांडा राइट्स ओरिजिनेट कब हुए थे। ओरिजिनेट कब हुआ था जी सर नहीं साहब इसका जवाब नहीं हमारे पास। ठीक है केस लॉ क्या होता है ओरिजिनेट कैसे हुआ तो वो बता कब हुआ तो वो नहीं बता सकता। ठीक है तो ये केस लॉ क्या होता है एक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस लॉज। केस लॉज बेसिकली क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट सेट किया हुआ केसेस होता है जहां पे अगर दो एक केस है तो कमांड का काम इससे तो पीडीएफ में दिया हुआ है उसको एज एन एग्जांपल यूज करता है आगे 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 अपने बेटरमेंट के लिए अपने केसेस को और बेटर स्ट्रॉन्ग या अपने जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो आप कि हमको एक सस्पेक्ट को सर्च करना है ठीक है तो हमारे पास अभी यही लॉ है डिटेन सस्पेक्ट को हम सर्च नहीं कर सकता है मगर किसी केस में किसी जज ने ये प्रेसिडेंट दिया है कि अगर तुमको विजिबली दिख रहा है उसके पास हथियार है ओपनली रखा है तब आप उसको सर्च कर सकते
नाउ यू हैव वो क्या बोलते हैं उसको, तो वो केस लॉज वैसा यूज कर सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास कितने केस लॉ है? अभी हमारे पास कितना केस लॉ है? हां राइट नाउ इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं याद हमको, मतलब हमको याद है एक दो, एक दो ही है एग्जैक्ट जवाब याद नहीं हमको। ठीक है, आपको लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पता है? हाँ रट्टा फाइट नहीं है बट पता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है लेजिस्लेशन का? लेजिस्लेशंस आर, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक सेकंड देना बता रहे। कोई दिक्कत नहीं, 15 सेकंड। हाँ legislations are the laws that have been passed by state किसी है वही है। ठीक है, okay laws are okay, at least effort करे। ठीक है, legislation होते क्यों है? legislation होता क्यों है जी? लेजिस्लेशन इसलिए होता है ताकि एक जो सिटी है का जो डिपार्टमेंट से वो प्रॉपर्ली रन कर सके और गवर्नमेंट कर लिया चाहे जी स्टेट है, स्टेट स्टेट के पास एक प्रॉपर ये रहेगा, सिस्टम रहेगा, अगर इसने ये किया उसको ये होना, अब ये धंधा तो उसके पास ये लाइसेंस, अगर उस ये करता है उसके पास प्रॉपर फंक्शनल पैराडाइम जैसा अपना एसओपी होता ये है, ये है, ये है लेजिस्लेशन स्टेट को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। ओके ठीक है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पूछूंगा, आई होप यू नो। हां रट्टा फाइट नहीं है सब कुछ। हां तो चिंगारी बाबू एक सिचुएशन है, ठीक है, आप हो सीनियर बंस के पास, ठीक, एंड दो गैंग लड़ रही है, ग्रुप ए ग्रुप बी, गोलीबारी चल रही है, आपका क्या रिस्पांस रहेगा उस सिचुएशन में एज अ कमांड? आप कैसे बिहेव करेंगे, क्या करेंगे आप? गैंग वॉर सिचुएशन, गैंग वॉर सिचुएशन, देखो एज अ गैंग वॉर सिचुएशन पहला हमारा प्रायोरिटी वहां पे जो सिविलियंस है उनको सेफ्टी पे लेके जाना, ऑफिसर को थोड़ा सेफ्टी पे रख के और उनको धीरे धीरे पुश करके इन द सेंस पीडी प्रेजेंस दिखा के उनको वो लोकेशन से थोड़ा सा दूर कर, भीड़ भाड़ इलाके से दूर करो, पीडी प्रेजेंस दिखा, पीडी इन्वॉल्व करके नहीं। तो दो ग्रुप है, वो दो ग्रुप पे जब भी पीडी इंटरफेयर करेगा, किसी पीडी जाएगा वहां पे, वो दोनों ग्रुप एक दूसरे को हाथ मिलाएगा और पीडी के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। इसके लिए खाली पीडी प्रेजेंस की उनको थोड़ा सा डर रहे कि उनको पकड़ सकता है, तो उनको दूर जितना दूर हो सके लेके जाए, फिर उसे ऑब्जर्व कर एविडेंसेस ले, इतना ज्यादा एविडेंसेस हो सकता है ताकि उनके ऊपर और केस स्ट्रांग बनाने के लिए, और फिर अगर मौका मिलता है उनको अरेस्ट भी करें। ठीक है, तो मतलब आप इन्वॉल्व होगे और अरेस्ट करोगे राइट? नहीं, अगर मौका मिलेगा तो। मौका कैसे मिलेगा, लाइक एक्सप्लेन मी द मौका। मौका मिलेगा मतलब फॉर एग्जांपल सब भाग गया, उनका एक बंदा इधर ही रह गया, उसको तो अरेस्ट करेगा ना, उसको उसको लेके जाएगा, पूछताछ करेगा, बाकी प्रोसेस करेगा, ऐसा मौका। इन्वॉल्व नहीं होने बोला, तो बोला दूर रह के पहले एविडेंस लेगा। ठीक है, आपने एविडेंस लिया कि एविडेंस लिया और उनके ऊपर केस बनाएगा, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर, ग्रुप आइडेंटिफाइड पहले से ही है ना, तो उनके बंदे को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा। ठीक है, जस्ट टू लेट यू नो, ये थोड़ा सा आंसर थोड़े वे में सही है, थोड़े वे में गलत है, एक बार एसओपी इस वाले पार्ट की रीड कर लेना ध्यान से। ठीक है, ठीक है, चलो आगे मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड करते हैं। जो सपोज हम कहते हैं कि हम 20 मिनट बाद पिट करेंगे, ठीक है, चेज में, हम उसे 20 मिनट क्यों दे रहे हैं? ही इज अ क्रिमिनल राइट, चोरी तो है साला, पिट करो धर लो,
क्यों 20-25 मिनट दे रहे हैं, क्यों रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, मेरी ऐसी थिंकिंग है। तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ चिंगारी? देखो रिसोर्सेस पीडी का है, मानता है, नल भी है, ये भी मानता है, बट हम पीट इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो अभी सिटी लिमिट के अंदर है। ठीक है, अगर सिटी में वो, क्योंकि देखो अभी चोरी किया, हम 5 गाड़ी चला रहे एकदम फुल स्पीड में चला रहे, 20 मिनट दे रहे ताकि उसका जो एनर्जी है थोड़ा लो, ताकि अगर जब उसके बाद अगर पिट कर तो क्या है, वो गाड़ी, उसका गाड़ी भी स्लो रह सकता है, गाड़ी में टैंक भी, टैंक में फ्यूल भी कम रह सकता है। हाँ बहुत सारा सिर्फ पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सपोज अगर गाड़ी सिटी के बाहर है, ठीक है, हाँ वहीं से सिचुएशन स्टार्ट हुई है, एलएस पिट लाइक एलएस फ्रीवे से, तो क्या हम फिर भी उसे 20 मिनट देंगे भागने के लिए? कोई बात नहीं, हिम्मत पानी है, पानी पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। देखो इसका जवाब थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि एसओपी बोलता है तो एसओपी फॉलो करना हमारा परम धर्म है। एसओपी बोलता है तो एसओपी थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि देखो एक पीडी ऑफिसर नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन। खाना भी दे दो हिम्मत मुझे। हाँ, नहीं खाना है, खाना है, प्राइस लेके चलता है सामान सबको दो। नहीं साहब आपको हम खाना देगा, रुको, ए प्राइस है तेरे पास, खा ले। पीने को, पीने को हम दूं क्या आपको? ये लो आप लो पीने को ही। ठीक है, ओके, तो आप कह रहे हैं आंसर बताइए। ये लो पीने को, थैंक यू, ये लो पीने को, पानी लेता है। ओ तेरी, तो देखो एसओपी, हम एसओपी नहीं फॉलो कर रहे, तो हम कुछ फॉलो नहीं कर रहे। एक एसओपी में मेंशन इसलिए किया रहता है, इट इज फॉर ऑफिसर शिफ्ट। ठीक है, अगर वो एसओपी में नहीं होता तो हम फॉलो नहीं करता। तो मतलब आप कह रहे हैं बस ऑफिसर सेफ्टी के लिए ही है। देखो एसओपी क्रिमिनल सेफ्टी के लिए थोड़ी बना है, ऑफिसर सेफ्टी के लिए बना हुआ। तो आप 20 मिनट नहीं देंगे उस क्रिमिनल को, तो आप बस सीधा पिट कर देंगे, मुझे ये कह रहे हैं। यस और नो में बताइए। नहीं नहीं, एसओपी में है तो एसओपी में करेगा ना, एसओपी में है कि 20 मिनट थोड़ा सा मेंटेन डिस्टेंस रखना पड़ता है, हम रखेगा। एसओपी में है पिट कब अलाउ करना, क्यों है, क्यों है, अलाउ करेगा, क्यों है, वो क्यों है, वो पूछ रहा हूँ आपसे, वो क्यों है वो चीज। अब उसका तो जवाब दिया ना पहले मैंने आपको, उसका गाड़ी फुल एकदम फुल, वो क्या बोलते हैं, फुल एनर्जी राइट है, उसका गाड़ी में फुल टैंक रहेगा, पिट करने का कोशिश किया, पूरा टैंक फुल लोडेड है, पल्टी वल्टी हो गया, आग वाग लगने का खतरा रहता है, बहुत सारा सिनेरियोज रहता है। ठीक है, ओके ओके, सही गलत तो अभी नहीं बताएंगे, बट ओके। आपको चार्जेस कितने अच्छे से आते हैं चिंगारी, बीइंग अ सर्जेंट अप टू एक्सपीरियंस? चार्जेस अगर आप बताएगा क्या सिचुएशन, चार्जेस बता सकता है सारा? नहीं मैं बस डिफरेंस पूछ रहा हूं, वो तो आप बता दो मुझे। चार्जेस के अंदर क्या बताने का है, रीड टेक्निकली रीड देख के करेगा आप। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ओके, तो मैं कहता हूं कि मैं हूँ, ठीक है, मैं सस्पेक्ट हूँ, सिचुएशन सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, मैं सस्पेक्ट हूँ, मैंने ये जो हिम्मत बैठा है, ठीक है, क्या हम दोनों लड़ रहे थे आपस में, ठीक है, और इसने मुझे कुछ कहा, कुछ कहा सुनी हुई आपस आपस में, हमने चाकू उठाया, चाकू से लड़ाई करी, वो पूरा, ठीक है, और मेरे से इसकी पेट में चाकू घोंप दिया मैंने लड़ते लड़ते ही, ठीक है, ठीक है, जैसे हम सीढ़ियों से गिर गए और इसकी पेट में चाकू घुस गया, ठीक है, और मैं गिल्टी भी फाउंड हुआ हूं। अब मेरे ऊपर चार्जेस क्या लगेंगे वो बता दो। आप एमडीटी, एमडीटी खोल सकते हो, यू आर फुली अलाउड। तो ये अच्छा है, एमडीटी वैसे तो चार्जेस, देखो जस्ट, तो देखो अगर आपने चाकू अंदर मारा और ही इज ब्लीडिंग और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है और हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका रिपोर्ट है प्रॉपर, attempted murder with a deadly weapon का चार्ज आएगा। मैं हम MDT कॉल भी नहीं रहे,
और अगर इसको सिर्फ क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक छोटा सा कट लगा है और हाथ पैर में क्या बोलते हैं और चाकू से मारा है ना, चाकू से तो फिर हिम्मत मर गया तो फिर अटेम्प्टेड मर्डर, सॉरी मर गया तो फिर मर्डर चार्ज जाएगा। कौन सा वाला मर्डर चार्ज? तो कौन सा वाला मर्डर चार्ज आएगा? खाली आप बहस में मारा है ना तो फर्स्ट डिग्री मर्डर आएगा साहब। ठीक है, मैनस्लॉटर क्यों नहीं आएगा? मैनस्लॉटर तो सर सोचा सर सोचे समझी में आता है ना सर, जैसे क्रिमिनल इंटेंशन आपने पहले से प्लान करके रखा है मारने वाला है तभी मारेगा, मैनस्लॉटर तब आता है। यू श्योर? बोलने का भी जरूरत नहीं है, सोचा समझा साजिश मैनस्लॉटर है और अनजाने में मारा, गलती से मारा और क्या बोलते इसको हीट ऑफ द मोमेंट में मारा, फर्स्ट डिग्री मर्डर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको सर्च वारंट्स के बारे में पता होगा राइट? सर्च एंड सीजर वारंट। हाँ ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस बताइए मुझे जहां हम बिना कंसेंट बिना वारंट कि एक प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। एक सिचुएशन, एक ही सिचुएशन बताऊं? जितनी आपको बताएं। एक तो दिमाग टॉप ऑफ द कि हम किसी सस्पेक्ट का पीछा कर रहा है, वो किसी लोग में किसी प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाता है, उसको सर्च कर सकता है उसको ढूंढने के लिए, अभी सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, या दूसरा पॉइंट, दूसरा एक वी गॉट क्या बोलते डिस्ट्रेस 911 कॉल या डिस्पैच कॉल इस पर्टिकुलर लोकेशन उस तो गड़बड़ हो रहा है, देन वी कैन एंटर प्रेमिसेस विदाउट सर्च वारंट। जैसे कि अभी ये 99 अल्फा वाला कॉल है, तो 99 अल्फा क्या होता है कि डबल बार हिट होता है, डबल बार उसका ट्रैकर आता है, एक बार जब आता है जब लोग बड़ा वाला कंटेनर खोलता है और दूसरी बार आता है जब उसका छोटा वाला अंदर का एक और बॉक्स रहता है वो खोलता है। तो जब अगर वो किसी घर के अंदर जाके छोटा वाला बॉक्स खोला हमको उधर से ही कॉल आया तो डेफिनेटली वी कैन एंटर द प्रीमाइसेस और सर्च कर सकता है उस डिवाइस के लिए। ठीक है, तो एक सिचुएशन है, ठीक है, मैं सस्पेक्ट हूँ, राइट, आपने मेरे ऊपर वारंट निकाला हुआ है कि मेरे ऊपर से मेरे जब मैं पोजेशन में था आपके इन द सेल्स, मेरे पोजेशन में काफी सारा ड्रग निकला, बहुत ज्यादा ड्रग अमाउंट, तो आपको एक सस्पिशन है कि मेरी प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, वारंट अप्रूव हो चुका है, बट इन सब चीजों के दौरान मेरी मौत हो चुकी है, ठीक है, मैं मर गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आप मेरी प्रॉपर्टी सर्च करेंगे, किसको नोटिस भेजेंगे, किसको रिसीट देंगे, क्या होगा? आप प्रॉपर्टी नहीं सर्च करेंगे वो पूरा वारंट इनवैलिड हो जाएगा, कैसा होगा? ठीक है, देखो अगर आप इन्वॉल्व था ठीक है, आपका डेथ हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हमारे पास वारंट अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, तो वो जो अप्रूवल का नोटिस है नेक्स्ट टू द किम, मतलब आपका जो आपके जस्ट आपकी जो भी रहेगा आपके आपके नेक्स्ट में रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका परिवार वाला कोई है तो उसको जाएगा वो नोटिस, वो प्रॉपर्टी को सर्च करने का है, ठीक है, और जब क्योंकि जब वो वारंट अप्रूव हुआ है तो आप अलाइव था राइट? हाँ, तब मैं अलाइव था। और हाँ बराबर है, ऐसी यही ठीक है, वारंट अप्रूव होने के पहले अगर आपका हो जाता है तो जज तो वारंट अप्रूव ही नहीं करेगा ना फिर। तो ठीक है ठीक है ठीक है, एक सिचुएशन पूछते हैं जिंगारी, ठीक है, आप एक शिप में हो, ठीक है, और शिप डूब रहा है, लाइफ बोट्स हैं लिमिटेड, एक ग्रुप है बच्चों का बहुत छोटे 7-8 साल के बच्चों का, एक ग्रुप है बहुत ही बूढ़ों का, ठीक है, 80-90, आप किसे बचाएंगे पहले? लाइफ बोट कितना है? लाइफ बोट अगर 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे और 6 बूढ़े हैं, ठीक है, एक ग्रुप में, तो 6 ही लाइफ बोट हैं, हर एक पर्सन के लिए एक लाइफ बोट है, हर एक ग्रुप। अच्छा, एक लाइफ जैकेट है समझो। हाँ, एक लाइफ जैकेट समझ लो आप। ठीक है, बच्चे को बचाएगा या बूढ़े को बचाएगा? जी देखो, दिस इज अ वेरी 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 क्या बोलते हैं उसको मोमेंट वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल प्रेफर कि जो बच्चा लोग है उसको सेव करने के लिए,
इसका दो वजह है. ओके मे बी वो बच्चा लोग में से बहुत लोग पहली बार वो सुनने वाला नहीं आता रहे, चांसेस है कि अपना जितना बूटा लोगे उनको आता रहेगा, बच सकता है. ठीक है देखो इनका तो जैसे हम भी है, हमारा उम्र हो चुका है, इनका भी उम्र हो चुका है, इन्होंने अपना जिंदगी देख लिया है. एक एक जवाब वो भी है कि इनके अभी पूरी लाइफ बाकी इनके सामने, और हमेशा पहले बच्चों को बचाएगा फिर बूढ़ों को बचाएगा. ओके तो ये एक हॉब सीलिंग ऑर्डर होता है चिंगारी सर्च वारंट में, राइट? हाँ हाँ जैसे नाइट सर्च होता है ऐसे हॉब सीलिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, समझाएंगे? हॉब सीलिंग एक मिनट यार याद है, रुको हॉब सीलिंग नाइट सर्च तो याद है पर हॉब सीलिंग भी पता था यार, क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में. कोई बात नहीं, 10 सेकंड होना, एक मिनट सोच रहे हैं. नारी बाबू ये बताओ. ऑफ सेलिंग याद नहीं आ रहा मेरे को. ठीक है नहीं याद नहीं आ रहा है. ठीक है तो अपना एक होते हैं बोनाफाइड एविडेंसेस, एक होते हैं नॉन बोनाफाइड एविडेंसेस, इनका एक एक एग्जांपल दे दीजिए, डेफिनेशन नहीं चाहिए. बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड एविडेंसेस. हाँ एग्जांपल दे दीजिए बस. बोनाफाइड एविडेंसेस आर दोज एविडेंसेस दैट वी हैव उसको हार्ड प्रूफ. ठीक है फॉर एग्जाम्पल ड्रग बेचते हुए पकड़ा है किसी को, ठीक है उसके हाथ में ड्रग्स है, बैग में मिला, उसकी गाड़ी में मिला है. ठीक है अभी उसकी जेब में जो जो मिला. मैं आपको इजी कर देता हूं, मैं आपको इजी कर देता हूं. ठीक है फोटो क्या है, बोनाफाइड है नॉन बोनाफाइड है? एक फोटो कैसा एविडेंस है, वो बोनाफाइड एविडेंस है या नॉन बोनाफाइड एविडेंस है? बोनाफाइड है. और किसी का स्टेटमेंट जो आपने अपनी ही कस्टडी में लिया हो वो बोनाफाइड है नॉन बोनाफाइड है? नॉन बोनाफाइड आता है. आपका अपना स्टेटमेंट आंसर अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑन कैट टेप. हां आपका अपना अपना स्टेटमेंट का स्टेटमेंट यस का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. जहां तक है नॉन बोनाफाइड में आता है मेरा स्टेटमेंट. ओके डीएनए सैंपल्स, डीएनए सैंपल्स बोनाफाइड में आता है. वीडियोस, वीडियोस कैसा वीडियोस डिपेंड करता है, क्या वीडियोस सीसीटीवी वीडियोस प्रोफाइल में आएगा. बट वीडियोस फ्रॉम अदर डिवाइसेस जैसे कि या वीडियोस में और क्या होता है, फुटेज फ्रॉम अ सेल फोन ऑन मोनोफाइड में दैट कैन बी मैनिपुलेटेड. CCTV has a date time stamp, इसके लिए बोनाफाइड हो जाता है वो. ठीक है तो एक जो अपना बर्गलरी है एक चीज जैसे हम कहते हैं और एक रॉबरी, ये है, ये हम दोनों क्यों कहते हैं, हम एक ही चार्ज क्यों नहीं बना देते रॉबरी का, क्या डिफरेंस है दोनों? बर्गलरी और रॉबरी दो चार्ज क्यों है? देखो रॉबरी समझाने में थोड़ा सा है ना वो, कोई दिक्कत नहीं. देखिए 15 सेकंड टाइम लिमिट है, उसके ऊपर मार्क्स कटते रहेंगे, टाइम जितना मर्जी लीजिए. ठीक है ठीक है ठीक है. बर्गलरी कैसा है कि ये कर रहा है, रॉबरी मतलब कैसा है, अगर कुछ छीन-वीन के भाग रहा है दिन दहाड़े, अगर आपके सामने चोरी कर रहा है. ये जो बगलरी कैसा रहता है, घर में छुप उसके ताला वाला तोड़ के जो कर रहा है, दैट इज बगलरी. और रॉबरी होता है अपने सामने आपसे लूट के भागा है, दैट इज रॉबरी. सामने लूट के भाग, छीन के भाग रहा है, दैट इज रॉबरी.
ओके ठीक है, तो चिंगारी कुछ चार्ज होते हैं, जैसे फेलन नहीं हो गया, मिस डिमिनर हो गया, ठीक है, और एक होता है कैपिटल चार्ज। ठीक है। तो ये कैपिटल चार्ज होता क्यों है? हम अगर किसी ने मर्डर किया है, फर्स्ट डिग्री मर्डर, तो हम उसको नॉर्मली क्यों नहीं हम उसे जेल वेल कर सकते? क्यों कैपिटल चार्ज बनाया गया? देखो, कैपिटल चार्ज इसलिए बनाया गया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कोर्ट ही सजा देता है, कोर्ट ही वो क्या बोलते हैं प्रोसेस करता है, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जैसे कि ये फर्स्ट डिग्री मर्डर है, ठीक है, कि जब ये है क्या बोलते हैं, आपने बोला कि आपसे एक्सीडेंट से हुआ, बराबर, हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया, बट उसके लिए प्रॉपर वो चाहिए ना, क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन, फिर वो कोर्ट रिपोर्ट सच, फिर कोर्ट चेक कर, हाँ नहीं ये एक्चुअली वही था हीट ऑफ द मोमेंट, ये नहीं था कि इसका प्री प्लान्ड साजिश था और इसने दिखाया हीट ऑफ द मोमेंट पीडी ऑफिसर्स को। ठीक है, तो एग्जाम्पल ठीक दिया है, इसका, कैपिटल ठीक है। पनिशमेंट के लिए रहता है, अब जज डिसाइड करेगा कितने टाइम के लिए इस चीज का सजा देने का है, कि जो ऐसा जो चार्ज देता कैपिटल वाला, दैट इज लाइक अ टेररिज्म, टेररिज्म भी रहता है इसमें इन्वॉल्व है, और हीनियस क्राइम रहते हैं। ओके तो जैसे हम 38 परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो मेरा ये मानना है जिंगारी, जो मैं हाई कमांड, आप मुझे बताइए सही गलत है या नहीं, मैं हाई कमांड से ही बात करूंगा। जैसे हम 38 में गाड़ी 45-50 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, राइट, बराबर, तो मैं गाड़ी सीधी लगा लूं, उससे पीछे वाला ट्रैफिक भी नहीं रुकेगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी, देर इज अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और सिटीजन्स ऑफिसर को। सेफ्टी नहीं रहेगा ना सब उसमें। ऑफिसर ऑफिसर सेफ्टी कैसे? सेफ्टी कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अभी हम लोग बोलता है कि साइड वाले विंडो से, जब आप ट्रैफिक स्टॉप करता है, आपको ड्राइवर विंडो के तरफ ही जाके ड्राइवर से बात करना है, बराबर, जब आप उसको वो 45 डिग्री 50 डिग्री वाले एंगल में गाड़ी खड़ी करता है, और आप अपना जो गाड़ी है वो ड्राइवर उस आप उसकी गाड़ी से थोड़ा सा आगे ले खड़ा करता है, मतलब तो उसकी गाड़ी के जो बोनेट है, अपना डिग्गी है, डिग्गी के एंगल में थोड़ा 45 लगा के अपना ऑफिसर को कवर करता पहला, उससे ऑनगोइंग ट्रैफिक से कोई फास्ट गाड़ियां उससे अपना ठीक ऑफिसर पहला सेफ रहता है। दूसरा, जो ड्राइवर है अपना, वो सामने वाला जो ड्राइवर है, जो उनकी 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 गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा है, क्योंकि देखो अगर दो से ज्यादा लोग है वही भी हम लोग एडिशन मंगाता है, ठीक है, एक लोग है हम एडिशन नहीं मंगाते, दो से ज्यादा है, अपने ड्राइवर को पूरा विजिबिलिटी रहता है उन दोनों ड्राइवर और पैसेंजर पे, उन दोनों वो दोनों क्या कर रहा है, मूवमेंट है तो वो देख सकता है वहीं से, क्योंकि वो पहले से थोड़ा बाहर है, उसका एंगल एकदम क्लियर है। और तीसरा, अगर ऐसे पे वो कुछ करने का कोशिश कर, सस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बड़ा गुंडा है, उसके बाद वारंट को रियलाइज हो रहा है कि नहीं अभी तो मैं पकड़ा गया, उसने गन निकाल के गोली मारने का कोशिश किया, तो हमारा जो ड्राइवर रहता है गाड़ी का वो कवर्ड रहता है विंडो और इससे। और तीसरा, अगर वो इवेड करता है, ठीक है, अपना गाड़ी इस एंगल पे है कि फटाक से पुश करके अपना एक्सीलेटर दबा के वो के पीछे भाग सकता है उस एंगल पे, ठीक ठीक है, ठीक है, तो तो सिनारियो बहुत सारा रहता है, इसी के लिए हम लोग रेडियो कॉल भी इसी के लिए देता है कि हमारा लोकेशन वहां पे किसके साथ है, कौन है, कौन सा गाड़ी है, गाड़ी का कलर क्या है, अगर उस सिचुएशन कुछ होता है कि हमारी जान को खतरा है या हमको कुछ हो सॉरी, गया, तो हमारा जो यूनिट है वो उस चीज को फॉलो कर सकता है, इसी के लिए एसओपी बनाया है, वैसा गया है ना ठीक साला, है। ऐसा भी एक दिन में तो डिजाइन नहीं था हमारा, उसको सालों का मेहनत लगा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो पूछो। तो अपना एक बैंक रॉबरी हो रही है, ठीक है, मैं क्वेश्चन वाइज सीरीज में चलूंगा, इस क्वेश्चन के भी सब क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे आंसर दीजिएगा बस। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। तो तीन हॉस्टेज हैं, आप कितनी डिमांड फुलफिल करेंगे रॉबर्स की है? तीन ऑस्ट्रेज है, कितनी डिमांड फुलफिल करेगा साहब? Yes. दो, दो डिमांड, ओके ठीक है। यस साहब, उसमें से
दो हॉस्टेज बच्चे हैं, दो डिमांड है, पर रहता तो तीन डिमांड भी, दो 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 तो बेचारा अभी कितना है कि बैंक रॉबरी सिचुएशन है, दो डिमांड तो हम देखो डिमांड तो क्या हम एक भी नहीं मांगने का, क्या है हमारा ऐसा भी बोल कि क्या बोलता है इसका सेफ्टी के लिए दो डिमांड मान लो उसका, ठीक है सपोजली तीन हॉस्टेज में से दो हॉस्टेज बच्चे हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अंदर रॉबर्स ने एक बच्चे को मार दिया क्योंकि आपने उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो बता दीजिए बहुत छोटे डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को डाउन होता है, किसी के ऊपर कुछ ऐसा एक्शन होता है या हॉस्टेज की लाइफ अनसेफ होती है तो ब्रीच इन इज द प्रोटोकॉल, तो बस ठीक है ये क्वेश्चंस मेरे डन हुए यहाँ पे, योर रिस्पॉन्स विल बी आउट। और ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये इंटरव्यू आपको इसलिए नहीं रखा जा रहा है दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ, एवरीबडी हु इज इन कमांड, हु वॉज इन कमांड इज केपेबल, बट वी आर कट डाउन इन लाइक वी आर कट शॉर्टिंग यू नो आर स्लॉट्स ऑफ द कमांड, वी हैव सम रिफॉर्म्स दैट विल बी कमिंग अप इन फ्यूचर, तो उसके लिए कमांड स्लॉट्स हम कम कर रहे हैं, अगर बाय इन केस इफ यू फेल दिस तो अब ये मत सोचिए आपको आता नहीं है, बट या थोड़ा सा बेटरमेंट की जरूरत रहेगी, बट यू विल स्टिल होल्ड सर्जेंट रैंक बट नॉट कमांड अथॉरिटी, ठीक है, इंटरव्यू देने ही का था हमको, हमने दिया है, ठीक है, कल को ये नहीं होना चाहिए कि अरे इंटरव्यू नहीं दिया तो कैसा हम पास करता था आपको, चलिए ठीक है कमांड इंटरव्यू इज डन, आप जा सकते हैं नॉर्मल पेट्रोल पे, राइट थैंक यू। हेलो हिम्मत, अरे ऊपर ऊपर बादल, 5 मिनट हुए नहीं इसके, सुता रहता तब से, इंटरनेट क्या बोलता साहब बाकी ठीक था, ठीक था बस वो थोड़ा इंटरव्यू छोड़ दो, इंटरव्यू छोड़ दो, आप इंटरव्यू के बारे में पूछ ही नहीं रहे हम, हाँ बोलो बोलो, आप आ जाओ आप आ जाओ, आप कैसा ये पूछ रहे हैं, अरे मैं तो बात दिखाना आपको, हाँ यार बहुत बहुत दिनों बाद आएंगे, आएंगे अब रेगुलर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर कप्तान ना, हाँ कैप्टन बैक टू नॉर्मल, चलो हम भी जा रहे सोने को, 102:41 बैक टू नेट, ठीक है ओके अर्चिंग भाई बाय बाय, हाँ हम भी जा रहे सोने को भी, चलो मिलते हैं, नाइट नाइट। Is there any active going on? 74 for active. क्या करें
Did you need some 77s ever? Nine? You need some 77s? Yes, we need. Ready? Twenty to bata do. बोलो मेरे को भी एक ऐसा सायरन दे दो फ्यूल भरवाने के लिए मैं भी ऐसा कर लूंगा फ्यूल भरवाने के लिए यार दे देते हैं आओ तो नाइस यार अच्छे लग रहे हैं थोड़े थोड़े मॉड्स अच्छा लग रहा है for that time right central direct to above can you 21 me Can it 3111? वो चार बार 111 हो गया. अच्छा, can someone open the doors of the briefing room and talk? My keys are not working for the communication. Is there someone? Please yes, send it. Can open the door. Send the police. Could you open the door of a briefing room? I'm stuck in. My keys are not working. You're stuck? I'm coming in. I'm coming. I don't come in. Hello. हाँ, tell me what happened. ये जो cruisers हैं. हाँ. ये personal वाली किस किस के भी है जैसे तुम जानते हो ETOXI का है personal वाली अभी. Actually, ATX is personal and Vikram Singh Rathro is personal because they have been allowed to touch SPU at high speed pursuit unit. Actually, there is only two cruisers in the shared garage that is FIB wala, but you can use it. Dusri wali gaye hain wo jiske paas rims hain wo wali cruisers kidhar hain? It's in the personal garage. Everyone is keeping in the personal garage because someone is stealing the turbo. Okay. तो ETOXI okay. तुम use कर रहे हो क्या? No. You can use it. It's a 10041 state ID. कहाँ पे? ऊपर personal parking में ही है ना? ऊपर parking. हाँ 10041. Okay. Yeah. Okay. ये तो ही है. Zero forward one. Right?
आ जाओ पुलिस क्रूजर। हेलो कुनवासा राठौर बात कर रहा हूँ। बोलो बोलो। आर यू अराउंड प्रीमाइसेस ऑफ एमआरपीडी? हाँ चलिए फिर खोल लो ना मेरे लिए दरवाजा एंड स्टॉप। कहाँ कौन सी वाले कौन सा वाला खोलूँ? ये बाहर वाला ही कर दो फायर एग्जिट वाला नॉट ब्लॉक। अच्छा मुझे एक बात बताओ जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी आई एम ड्यूटी ऑन ओनली तो मैं ड्यूटी पे ही हूँ। एक और बार कर दो एक और बार कर दो। अच्छा अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी लाइक जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी दैट डे यू आस्क मी क्वेश्चन इन इंटरव्यू लाइक रिगार्डिंग द ओल्ड एज एंड द यंग चिल्ड्रन ओके सो व्हाट इज एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट? एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं है उससे बस तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग पता लगता है। देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। मतलब क्या आवाज कटी क्या क्या? हां मैं कह रहा हूं देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर। Uh-huh. Like there is no exact answer for these questions. उससे बस thinking पता लगती है. No exact answer. Oh. Nothing. Okay. Gotcha. मैंने I thought like वही पूछना था कि exact क्या है. I was curious. मैंने जो बोला वो सही है गलत है? कोई exact answer नहीं हो रहा है duty on करके भी. कौन से वाले door पे हो तुम? ये बाहर वाला grey door. Fire extinguish वाला. Fire exit वाला. ब्रीफिंग रूम के बाहर निकलता है। हाँ हाँ एग्जैक्ट वही यार मेरा लॉजिक क्या था पता है उस दिन बिकॉज चिल्ड्रन हैज गुड थिंकिंग पावर ना एंड दे हैव कैपेबिलिटीज बट ओल्डर पीपल डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ इन देयर बॉडीज आई कैन गाइड द यंग चिल्ड्रन। अरे एग्जैक्टली मैं ब्रीफिंग रूम के बाहर वाला जो होता है ना सिल्वर डोर ये देखो इधर 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 ये तो पता नहीं ये वाला डोर हेलो फिर से खोलो भाई क्या आदमी है भाई अब चाबियां काम नहीं कर रही यार मेरी क्या दिक्कत सरकार ने दी है मुझे ये चाबी मैं चढ़ा रहा हूँ इससे। अरे बाहर से ही खुलता है वो। हाँ ये लो मेरे को आन दो। हाँ बस चलो वही तुम्हारे साथ नहीं चलो यू ड्राइव आई एम चेंजिंग द सीट। हाँ तक करोगे तब ना आओ चलो। अरे ना इट टेक्स टाइम बहुत हेवी है टाइम टू चेंज सीट वो कर दो कैसा स्पीशियस एक्टिविटी का मार्क वहाँ जानते हैं। और बताओ कुंवर सर दोपहर को आया करो यार आते नहीं। दोपहर को मेरे यहाँ नहीं हो सकता ना समझो तुम। यू नो व्हाट इज टाइम राइट नाउ हियर इन माय वॉच इट्स 3 AM 3 AM तो मेरे यहाँ पे भाई एंड हैविंग माय -5:25 PM -5:25 PM डैम समझ रहे हो मैं दोपहर को क्यों नहीं आ सकता। यस उस वक्त होता नहीं कुछ यू नो वी जस्ट पेट्रोल अराउंड ही करते हैं। No worries.
लॉन्ड्रोमैट कह रहे हैं ये वो सब 3 बजे के बाद करते हैं लॉन्ड्रो क्यों करते हैं वो नहीं पता एक ही दिन हुआ बट डेली डेली नहीं होता है तो कह रहे कि 3 बजे के बाद हर दिन होता है बट आई डिडंट सॉ टू बी ऑनेस्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कुनर सर आंसर आई वांट टू नो कि आप होते तो क्या करते बच्चों को ही बजाते यार जी चुके हैं बुढ़िया अपनी लाइफ बट और ट्रिकी तो तब होता जब मैं तुमसे पूछता कि सपोज लड़ी तुम्हारी शादी हो चुकी है तो क्या तुम अपने बूढ़ी मम्मी को बचाओगे या क्या तुम अपने बच्चे को बचाओगे ऑफकोर्स यार मम्मी बच्चे तो के फिर निकल लेंगे दिस इज ट्रिकी ना बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ये पर्सनलाइज्ड है बिल्कुल बट इससे हाँ थिंकिंग पता लगती है एब्सोल्युटली मैंने क्वेश्चन का यू नो चैट जीपीटी भी किया था इट वाज इन लाइक आई एम कंफ्यूज्ड वाह 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 मैं सोच रहा था साला सिलेबस भी क्या ऐसा निकला है कि मिल भी नहीं रहा कहीं तभी तो मैंने ये क्वेश्चन एसओपी पूछी ही नहीं ऐसा भी तो सब रट लोगे तुम जैसे ही पूछे टेढ़े मेढ़े से दैट गुड थिंग यू नो इन क्वेश्चंस के वजह से यू गेट मोर पॉलिश और ऑटोमेटिकली तुम्हारे एसओपी और लेजिस्लेचर पावरफुल बन जाती है यू गेट अ ग्रिप ऑटोमेटिकली नोइंगली और अनोइंगली लेजिस्लेशन तो मैंने पूछा ही नहीं मैंने मैं तो मतलब पूछा बस लेजिस्लेशन का होता क्या एटलीस्ट अप टू दैट आई टुक इनिशिएटिव एंड आई लाइक I got a proper definition and all. मैंने एक देखा तो भी वरना नहीं देखा जाता ना ऐसे मतलब कभी सोचा नहीं ना कि जरूरत पड़ेगी मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पता नहीं बट आफ्टर द ब्रीथिंग आई saw many of the things which I didn't know. Like, I know, like, verbally we know what is a constitution. But while explaining, we can't explain yes. a proper wording. Huh? So, बहुत से सारी चीजें पढ़े मैंने तो इट वाज यूजफुल एक्चुअली इंटरव्यू वाज यूजफुल सही था मैं सोच रहा हूं ऑफिसर्स को भी ना ऐसे ही लिया जाए ऑफिसर को तो मत लो ये वाले नहीं सर को तो मत ही लो बट यू नो व्हाट कुनवर सर इनके इसके वजह से ना डेडिकेशन पता चलता है यू हाउ मच द गाइस डेडिकेटेड एंड देयर कैन आई हिट अस I need some backup at the Sandy. There's some guys with the wrenches who took down the officers. A Sandy short call springs. 167 plus 1 is already 76. CTA is gonna be 5 mic probably. Just be on hold. चल भाई चल 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 बैठ 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 रिपेयर किट चाहिए क्या नो नो नहीं नहीं, नहीं है थैंक यू नाइस गुड इनफ ऑफिसर्स नेगेटिव लुक्स ऑफ We need additional, we are already 76, since I gave a call on a dispatch. 76, UK2 max.
अरे यार एक और स्टॉल द फक ऐसी गाड़ी है ये बेकार सी ब्रेकिंग नहीं इसमें बिल्कुल नहीं द फक ए भाई जान बटन बटन निकाल लो भाई टेजर टूजर निकाल लो टेजर टूजर टेजर नहीं आता है काम में दिस टाइम टेजर था शूट ना बैटन से अच्छा नाइफ है ड्रॉप ऑब्जेक्ट का वो काइंड ऑफ एक्टिव ऑफिसर स्टिल अवेलेबल ऑन द सीन नेगेटिव वी आर 70 अवेलेबल सीन वाले हो चुके हैं डाउन है लुक एवरीबॉडी इज डाउन अवेलेबल सीन वाले डाउन है ये आई थिंक एक्सेप्ट स्पेंसर आई थिंक स्पेंसर का नहीं आया अभी तक कॉल स्पेंसर इज देयर I don't think so. We got 4 down call. Okay. Matlab converter? Nahi nahi. Thoda time lagega. 2-3 din lagenge set hone mein fir wo isi. Spencer do you copy? Mujhe do isme se bhi dal. Spencer hai bhi? Ha ha tha. Duty pe. Is it the same location as yesterday? No, it's code 0 again. I think Spencer he had a code 0. Okay. That means all officers are down on the scene. Yeah. The same control substance situation? No idea. One or two plus 123. Mega kera kundur. Be aware about your surroundings. Just don't get down on your vehicle. Gaadi thoda dur ja ke repair kar lete. Repair ki bani ruko to. Bandho ka. Abhi nahi bas circle round karenge. 23. Two officers are down. Abhi, gaadi chal gayi hai bug. Can see a person. Schema. Rami, wo. Rami, our car just went. Isko nikalo na, isko nikalo. I'll give you the cover, just put them inside the vehicle. Bas ek photo le lo. Lene raha hai ye. Thank you boy for the camera. Iski maa ka kahan hota hai search. One officer is secured. Where is Eva? Eva also gave the call, right? No idea. Yeah, Eva as well. Naka Saki Naka. कई रात कई दुआ इस शेर को हुआ क्या चलो एवा का है एवा नहीं दिख रही बताते हैं इसमें क्या ना है ना मेरे को देखो
चार नहीं बैठ पा रहा उसमें से वर्ड वेट 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 वो रिपेयर कर रहा है स्टडी तो सेम लोकेशन फोर ऑफ दिस इसकी कीज किसके पास है है मेरे पास है मेरे पास इसके है क्या आई फाउंड एवा बट ये इनसाइड ग्रास ग्रास ये जीजू जो की है जल गई थी गाड़ी ये भाई सिक्योर वो कहीं इधर एक मिनट रुक इधर 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 नहीं टोएगी टोएगी कांट 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 नहीं तो फुल रिपेयर किट मार के देखता हूं ना मैं इस पर हां मार के देखो एक बार फुल रिपेयर किट मार के इंजन जल गया है अरे फिर भी होती है अरे तुम्हारे पापा ने इंजन जलने पे इंजन को ठीक किया हाँ करो 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 एक और होनी चाहिए गाड़ी ऊपर गाड़ी हो रहा है और देख करें ओ तीन तीन डाउन ऑफिसर है तो मर के जाना चल क्यों नहीं रही आप 16 जाइए तो अभी दे रहा ये लो आराम से जाना कुनवर सर दिक्कत नहीं कोई तो मैं इनको हॉस्पिटल लेके ही चलता हूँ अपने सखे साथियों को सांस आ रही है गाइस पटी पुटी लगा दें आपकी पटी पुटी3 at the medical center. Oh,
आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, डरना नहीं है। Where are you going? We don't have the keys for the vehicle. Cannot secure that vehicle. Make it na slim jim kar lete hain. No, it's too fast for us. It's too far. You want me to impound? Ha kar do, ETX ki gaadi hai waise bhi, kar do. मेरे को किसने मारा पता है? इवा, एवा ने। कहाँ पे होता है इसका? It's okay. You good? एक और भी था ना तुम्हारे साथ, कोई ना कोई। मामा कहाँ गया? मामा उड़ी गई वो। Oh shit, I'm dead, बच गया। Hey mom is there, but they're not in this car, I guess. गाड़ी का तो समोसा बना दिया कुनवर सर। दिक्कत नहीं पाई। We should seriously think about how to and when to escalate situation. क्या हुआ है सिचुएशन? The thing is na, actually we are letting our officers die literally. Literally a person is actually taking a wrench on his hand. You have to warn him 10 to 15 times to take our battle out. अरे क्यों कर रहे हो? दो तीन बार करो, ठोको बटन। हाँ, the thing is we are actually giving them other person to take the knife. We are actually giving second warning. The other person is taking knife and stabbing our officer. Think of them. And our baton is literally we have to hit them 3 to 4 times to knock them down. इसका एक रिपोर्ट बना लो ना। हो रहेगा। नाइस कार ड्यूड। Down 5 PD officers. Think of it. Think Thank of you it. So much. Bro, this is not fueled up. What the fuck? Nice. One guy is taking 5 of them. That's how it works. Or bad shit. Did he escape? No, he broke your down. Literally, we four of them and then try to ban him. Literally, no one goes down. Think of I got your 2 punches, that's why I got one. Only one. Only punch one. So, somebody else also punched me down. Mamba is there. Where is Mamba? अरे और एवा ये HSPO की गाड़ियां हैं किधर? Secured one of them. 91 at 16, requesting. 10 for 76. Oh. कब आ रहा है ये HSPO? बहुत स्लो है यार. बहुत स्लो आ रही है बस, बहुत स्लो आ रही है। इस अन्ना तो व्हीकल ऐड अप ऑफ पार्किंग दैट। आम इंटरेस्टेड टू टेक कैंडिडेट्स एंड आम इंटरेस्टेड टू वर्क एज अ डॉक्टर। डोर फॉर पेपर रेडी वन डिस्पैच। तो बाकी तीन क्यों हैं? दैट आर देयर ओनली टू।
Blake and Speedy. The thing is, so they are actually concentrating on the cases. Now, when they come on duty, they just concentrate on the cases. Eva, ma'am. Yes? You need any help on required repairs on the ground? No. Bro, buddy. Yep. Nice fucking car, dude. Can I get a test drive? If you don't mind, can I get my hands on this? Yeah, why not? If you want it, you can go. I'm switching my suits. I am Eva. 2 minutes, man. I ain't bad. Okay. How much did you get this? Please, 1990. Oh, shit. It's a muzzle car, round trip. Oh. 7602 MRPD. That's fucking manual, bro. Yeah, manual, you can make it as automatic if you wanted it. Nah, bro, manual shit. Manual's good. Yeah, manual is good because that if you did it into auto, then it will be not good. It will get. The brakes will not happen, you know. It's too much acceleration. Nice. Yeah. Acceleration is high. One of the best car, you know. 966 rating is there in the Mercedes. This car. It will go around 189. And not only without any turbo. See? Nice, bro. This car is fucking insane. आपको वैसे पीडी में तो ज्यादा कार में चलाते हो ना आपको तो इजी है ये सब हैंडल करना तो सिविल जो सिविलियन का थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ज्यादा चलाता नहीं ना एक एक को उनका थोड़ा दिक्कत होगा वेयर आर यू वी आर एट द लोअर पार्किंग चलिए Thanks, dude. This was good. Yeah. What's your name, buddy? My name is Chakravarti. Oh, nice to meet you, man. This side, Kunwar. Nice. Captain Kunwar. Goodbye. Okay. Bye. If you need any help regarding repairs, you can call me, sir, okay? Sure thing. Yeah. Fuck, bro. This was good. This was fucking good. कुनवर भाई गन चाहिए पीडी पे पीडी गन चाहिए गन चाहिए गन चाहिए वहीं जो देखो सॉल्यूशन नहीं है ना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना नो सॉल्यूशन पीडी इज डिफरेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन इज टॉर्च टॉर्च पर टॉर्च के भी दो लगते हैं यार दो तीन लगते हैं हां पर दो तीन लगते हैं टॉर्च के भी एक से नहीं होता टॉर्च रेंज का एक से होता है इसका एक ही सोल्यूशन है दो वार्निंग देके बाद हाथ से पकड़ लो और फिर सारे एक साथ बैठ के पर्चे भर लो देखा सन्नाटा हो गया ना एक सेकंड में क्या सुना नहीं बोलो द थिंग इज दिस बैटन ना इवन द स्टिक दैट यू नो दैट प्लस 2 वाला टेजर यूजेस टू हिट पीपल एंड आई बट टेजर दे कैन डॉज इजीली ना टेजर डॉज हुआ तो मतलब समझो तुम गए Already saying that like that the stick you know the teacher used to hit the student. The point is, it's hurts more than this baton. Taser भी कर रहे हैं ना तो हम उनको wait करते हैं. अरे we are defenseless वही ना we are defenseless. हम defenseless हैं बिल्कुल भी. Completely defenseless पे की. Defense नहीं बन रहा मेरे पे यही चीज. We need. मैं तो भाई पिछले एक दो महीने से चिल्ला के थक गया हूँ भाई कि भाई कुछ ढंग का तो दे दो. अगर गन भी नहीं दे रहा तो कुछ ढंग का तो दे दो तो हम डिफेंड कर सकते हैं खुद को आई वांट अ आयरन रॉड आई एम सेइंग दैट वी डोंट वांट अ गन बट इंसटेड गिव अस समथिंग दैट कुड बी यूज्ड मास्टर रिपोर्ट टाइम की लाइक कोई मास्टर रिपोर्ट बनी है द केस अब अरे कुमार सर अभी तक मास्टर नो वन इज गिविंग डैम अबाउट द मास्टर रिपोर्ट
One second. I'll be making a report. I'll be going with वही तो चाहिए DA को. And I will go with the governor myself. DA ही नहीं है अभी DA के साथ conflict हो रहा है PD का बताओ. अरे I will go to governor myself as an HR. Government हाँ बोलेगा आजा बस जी आजो बैठिया. But HR don't handle this ना don't go to governor like this bro. No. I will make the appointment and everything like as formally as it is and I will make the thing. No worries. Because it's been too much. देखो किसी ने रिपोर्ट बनाई नहीं मास्टर रिपोर्ट और तुम्हें चाहिए नहीं कैसे बताएं नॉट अबाउट मास्टर रिपोर्ट आई एम गोना अटैच देन क्रिएटेड अरे देखो सी मेंबर को एक मिनट रुको देखो ऐसी कोई चीजें नहीं मिल जाएंगी ना देनी एविडेंसेस तभी मैंने तो वो बनाओ मास्टर रिपोर्ट बनाओ अरे मैं बोलो देखो एक एग्जांपल देता हूं ठीक है ईडी का बहुत सारा गेस्ट स्टोरी हो चुका है अभी तक ठीक है देयर इज अ मास्टर रिपोर्ट फॉर इट एज वेल No any actions taken. क्या करा है? कुछ भी नहीं हुआ अरे तो ये बताओ ना पूरा कि चोरी हुआ ये अलग चीज है that DA is a different thing और बंदे के ऊपर भी like we found tasers pretty body armor and even though we cannot taser तो मैंने भी देखा है ठीक है बनाओ मास्टर एक मास्टर रिपोर्ट बनाओ सेंड इट टू द कंसर्न्ड एचसीस एचसीस विल पुट इट फॉरवर्ड एंड उस चीज पे काम जब तक कुछ बेस रिपोर्ट नहीं देंगे तो फिर देयर विल बी नो एक्शन राइट फॉर दैट मल्टीपल सिनेरियोस बोलो हर ऑफिसर का स्टेटमेंट डाल दो कि व्हाई वी वेयर ऑन दिस सिचुएशन this particular thing happened on this location करके डाल के एक incident create मतलब incident as in एक अपना statement डाल के every officers who faced this types of situation वो अपना अपने एक statement देखो and medical है तो medical attach करो हो गया बट ये कल परसों से ज्यादा हो रहा है ना सैंडी शोर्स तक लेके जाके वहां पे बैटन मार रहे बैटन मतलब ब्रांच वो लोग बोल रहे हैं कि उधर ही उनका घर है भाई घर ढूंढ के घर जला देंगे और उनके सामने से ही आ रहा है ड्रग सेल का कल बट वी डिडंट हैव एनी एविडेंस टू अरेस्ट देम आई हैव द नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल एज़ वेल ये तो हमारे कुनवर सर ने ही फ्लैग किया है और फेलियर टू स्टेप अपनी वेडिंग पे लैम्बोर्गिनी चलो आईटी के लिए बहुत लेट हो गया हां मैं भी जा रहा हूं भाई वो क्या गुड डे कैंप हो गया क्या अपना कल देखेंगे ए चलो गाइस जा रहा हूं चलो यार मैं भी जाता यार राइट मिनट 42 इट्स अ पीडी वेक्टर गेम घर पे मामा घर पे घर पे चलो भाई बाय चोरी ब्रो बच्चू 703-1042 चलो गाइस लेट्स गो
ਸੰਗ ਸਟਾਰ ਬੋਏ ਦੱਸ ਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰ ਟੱਪੀ ਵੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਸਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਐਵੇਂ ਅੱਲੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਗਲਾਵੇਂ ਪਰ ਹੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਸਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਤੀੜ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦੀ ਜੱਟ ਦਾ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਦੀ ਬੱਸ ਪਕੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਕੇ ਜੇ ਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚਾਂਸ ਲੱਗੇ ਬੇਚਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਾਂਡ ਬਾਪੂ ਚੱਕੀ ਫਰੇ ਡਾਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਵੜੀ ਖੱਚਾ ਵੇਖੀ ਭੰਨਦਾ ਮੈਂ ਲੜਾਂ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜ ਚ ਹੌਲ ਤੇ ਨੇਫੇ ਚ ਬਸ ਤੌਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰੇ ਦਿਲ ਲਾਈਫ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਹੈਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਮਾਠੀ ਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਐਵੇਂ ਅੱਲੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਗਲਾਵੇਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਉੱਠੇ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਵੇਂ ਸਕਾਟ ਉੱਚੀਆਂ ਗੁੱਚੀਆਂ ਹੀਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈ ਜਣਾ ਚ ਵਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੀ ਜੀਨ ਕਦੇ ਜੁੱਤੀ ਚੀਨ ਮੀਨ ਕੀ ਸਲੀਨ ਖਾ ਗਏ ਜੱਟ ਦੇ ਡਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੋ ਸਾਹ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਲੇ ਚਾਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਸੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਐਵੇਂ ਅੱਲੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਗਲਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਖੀਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਬਣ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ।